लिखा था उसको लाइन बाय लाइन ज़रा सा देख लेते हैं क्या किया था हमने। सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया था मैंने, और एक्सप्रेस की ऐप का हैंडल तैयार कर लिया था। एक स्लैश गेट की रिक्वेस्ट है जिस पे रिक्वेस्ट करें तो जी वो सामने से हेलो वर्ल्ड बोल दे। अच्छा, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बना लिया था जो प्रोडक्ट्स के नाम से वेरिएबल था। एक एरे है, ये एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। जस्ट समझाने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट इसमें रख दिया था पहले से। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था, गेट प्रोडक्ट्स के नाम से एक API बना ली थी जिसमें अभी हमने अंदर कुछ लिखा नहीं है इस वक्त। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि ये वाली API हिट करने से क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स? नहीं, अभी तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए? क्या सारी प्रोडक्ट्स आनी चाहिए? सारी प्रोडक्ट क्यों आनी चाहिए? क्योंकि एस लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स ऐसे करके भेज दूँगा यहाँ से। ये प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा पूरा का पूरा एरे पड़ा हुआ है, वो पूरा एरे यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्टिल ये वाला जो हमने काम किया हुआ है, वेरिएबल जो बनाया हुआ है, ये हमने स्टेट जो बनाई हुई है, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अभी हम थोड़ी ही देर में इसके साथ डेटाबेस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में तो नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपने ये रियल लाइफ में कभी भी इस तरह से वेरिएबल नहीं बनाना है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये REST API के जो 6 प्रिंसिपल या 5 प्रिंसिपल हमने पढ़े थे लास्ट, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। आप अपनी API को फिर REST API नहीं बोल सकेंगे। अच्छा, इस पे क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये भी हमने REST API के उसमें पढ़ लिया था, बताओ। हाँ, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आएगा, सारे प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट सेंड में अब मैं क्या लगा दूँ? प्रोडक्ट्स की डॉट लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। पहले मुझे लूप चला के पहले उस प्रोडक्ट को मुझे तलाश करना पड़ेगा, और उस ID में अगर कोई प्रोडक्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मसला नहीं है। अच्छा, कौन सा वाला लूप यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा? फॉर लूप होगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं? क्यों क्यों नहीं? फिल्टर लगेगा। और बताओ, भाई मुझे क्यों भी तो बताओ ना, फिल्टर क्यों? ये पढ़ा है प्रोडक्ट, इसमें इस तरह आईडी होगी। हर प्रोडक्ट की आईडी स्पेसिफिक होगी ना, हाँ, तो यूनिक होगी। यूनिक करके करवा लेंगे सही है। और बताओ भाई, मैप क्यों? अच्छा, इसमें मैप तो नहीं लगेगा। मैप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैप को ना बीच में आप रोक नहीं सकते, पता है ना ये बात? ठीक है, फॉर ईच को रोक सकते हैं? आई एम नॉट श्योर। फॉर ईच में ब्रेक लगता है? अगर तो फॉर ईच में ब्रेक लगता है तो लगता है शायद, आई थिंक उसमें भी नहीं होगा क्योंकि वो मैप वाला ही माल है। ठीक है, उससे पूछ लेते हैं ना गूगल से हम। गूगल बाबा, फॉर ईच में ब्रेक लगा सकते हैं? इंग्लिश में पूछता है यार, गूगल बाबा को उर्दू नहीं आती। कैन आई ब्रेक फॉर ईच और जावास्क्रिप्ट? देयर इज़ नो वे टू स्टॉप ब्रेक फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच का मतलब ही क्योंकि ये होता है कि हर एक के लिए वो चलेगा, मैप वाला हिसाब किताब है। तो मैप भी नहीं लगेगा, फॉर ईच भी नहीं लगेगा, और फिल्टर भी नहीं लगेगा। फिल्टर को भी बीच में हम रोक नहीं सकते ना, आखिर तक जाता है वो। फिल्टर में भी ब्रेक नहीं लगा सकते हम। ठीक है, फॉर लूप यहाँ पे लगा सकते हैं हम, क्योंकि फॉर लूप में ब्रेक लगाया जा सकता है। अच्छा, अब ब्रेक से क्या ताल्लुक है भाई, ब्रेक लगाने का क्या फ़ायदा है? देखो, बहुत गौर से समझोगे ना तो ये समझ आएगी बात। मैप या फिल्टर ना हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे एरे हमारा एक तो छोटा सा अगर हो, या अगर छोटा सा, अभी तो फिलहाल एक ही प्रोडक्ट है उसमें, छोटा सा ही है हमारा, लेकिन अल्टीमेटली ये बड़ा होगा क्योंकि प्रोडक्ट एक नहीं, 1,000 या 10,000 भी हो सकती है। ठीक है, तो या तो छोटा सा एरे हो, या तो हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जी हमें हर हाल में आखिर तक जाना है, पूरे पे आइट्रेट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें बीच में जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे रुकना है हमें, अदरवाइज़ वो पूरा घूमेगा लास्ट तक, तो उसमें कंप्यूटिंग साइकिल मेरे ज़ाया होंगे। ठीक है, तो अच्छा, मैप का अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैप
का जो काम है ना उसके हिसाब से उसको सही बनाया उन्होंने कि जी आखिर तक पूरा जाना है आपने, क्योंकि मैप का काम होता है किसी भी एरे को ट्रांसफॉर्म करना, सही है, हर एरे के हर इंडेक्स पे जाओ उसको ट्रांसफॉर्म करके रिटर्न करो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका काम होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जाहिर है पूरे को ही करना होता है, तो इसलिए उन्होंने उसमें ब्रेक वगैरह वाली चीज़ नहीं रखी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा एरे है 2000 इंडेक्सेस का, ये भी एक सवाल है ना ये भी, कि यार अगर 2000 दफ़ा मेरा एरे घूमता है 2000 साइकिल, तो वो तो कोई मसले की बात नहीं है, वो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर नैनो सेकंड में 2000 साइकिल वो घूम जाएगा। तो क्या फिर मैं ये बचा क्यों रहा हूँ अपने सीपीयू साइकिल को, मैं क्यों बचाऊँ, इतना इम्पॉर्टेंट है सीपीयू साइकिल कि उसको बचाना पड़ रहा है। फ्रंट एंड के ऊपर इट वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। फ्रंट एंड के ऊपर क्या होता है कि आपके पास हैवी प्रोसेसर होता है, मिसाल के तौर पे जैसे हर लैपटॉप में आजकल 8 कोर 10 कोर के प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो यूज़र की मशीन होती है, तो उस पर आप ये वाला लोड डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा साइकिल उस पर चला सकते हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि जावास्क्रिप्ट की किसी बुक में ना ये बात जिक्र नहीं होती कि जी कहाँ पे जो है ना, बस जावास्क्रिप्ट की किसी भी बुक में ना ये बात जिक्र नहीं करते वो कि जी अब फॉर लूप नहीं लगाएं या सीपीयू साइकिल बचाने की कोई बात नहीं करते। लेकिन सर्वर के ऊपर ना कहानी ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि फ्रंट एंड पे क्या होता है कि ये एरे, ये लूप जो चल रहा है, ये हर यूज़र के अपने अपने कंप्यूटर में चलेगा। सर्वर पे क्या होता है, एक सेंट्रल लोकेशन होती है जहाँ पे सारा वर्कलोड होता है। अगर 1 मिलियन यूज़र रिक्वेस्ट करता है ना, तो वो 1 मिलियन यूज़र का जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो सर्वर के ऊपर होगी। ये लूप एक बंदे के लिए नहीं चलेगा, 1 मिलियन बंदे के लिए चलेगा ये, ठीक है। और सीपीयू में जाहिर है सर्वर का जितना भी बड़ा सीपीयू लगा लें हम, स्टिल वो कम है, ट्रैफिक आएगी तो वो ओवरफ्लो करेगा। जिस जगह पे होस्ट है वहाँ पे लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर है ना, तो क्योंकि सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग एक जगह रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसको लोड डाल रहे हैं उसके ऊपर। फ्रंट एंड में ऐसा नहीं होता, फ्रंट एंड में हर बंदे के अपने कंप्यूटर में बस जावास्क्रिप्ट यहाँ से चली जाती है, वहाँ जाके एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो सर्वर के ऊपर एक एक सीपीयू साइकिल काउंट्स और एक एक बिट ऑफ मेमोरी ऑल्सो काउंट्स, एक एक बिट ऑफ मेमोरी जो है ना ऑल्सो काउंट्स। और आपने ये भी नहीं देखा होगा किसी भी जावास्क्रिप्ट की बुक में ना ये बात जिक्र नहीं होती कि जी वो वेरिएबल, जैसे नंबर का वेरिएबल हो कितने बाइट ले रहा है, रैम में बनते हैं ना वेरिएबल, तो रैम में बनते हैं ये सब हमें पता है, लेकिन रैम में कितनी जगह ले रहा है वो एक वेरिएबल, ये बुक में आमतौर पर जिक्र नहीं करते। क्यों? कि जावास्क्रिप्ट की जितनी भी बुक है वो सारी फ्रंट एंड के हिसाब से लिखी गई हैं ज़्यादातर। तो मैंने आज तक एक भी बुक ऐसी नहीं देखी जिसमें इस पर कोई डिस्कशन किया हो कि जी मेमोरी को कैसे बचाना है या सीपीयू साइकिल को कैसे बचाना है। वेल, ये सर्वर के हिसाब से जो बुक लिखी जाती है उसमें ये बात डिस्कस लाजमी होती है कि भाई आपने क्या करना है, सीपीयू साइकिल को बचाना है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं फॉर लूप चलाने की। अच्छा, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस सब्जेक्ट का एक नाम होता है, उसको कहते हैं, नहीं, एक तो डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, और एक होता है एल्गोरिथम एनालिसिस, नहीं, एल्गोरिथम एनालिसिस करके इस तरह कुछ करके नाम होता है, उसमें बिग ओ का वो भी नोटेशन भी होता है, एक बिग ओ करके एक चीज़ होती है वो उसमें पढ़ाते हैं। एक मिनट, बिग होगी, हाँ, नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट ये वाला है ना, बिग ओ नोटेशन, हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम और ये सारी चीज़ें। तो इसमें सीपीयू साइकिल बचाना इसमें बताते हैं और डेटा स्ट्रक्चर में मेमोरी बचाना बताते हैं कि जी मेमोरी कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें। तो ये वाला सीपीयू साइकिल का केस है। ये यूनिवर्सिटी में भी सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ाते नहीं है बहरहाल वो, लेकिन होते हैं सब जगह, होते इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग लगाया नहीं है, MIT से हॉवर्ड से सिलेबस को सीधा सीधा कॉपी किया, ठीक है। और फिर वो कहीं पर अगर ऐसी बात होती है ना तो वहाँ पर बोल भी देते हैं, ये मतलब बोलने से भी चूकते नहीं है, ये कहते हैं भाई हमारा जो सिलेबस है ना वो हॉर्वर्ड के मुकाबले का है, ये नहीं बोलते कि उनका कॉपी किया है, और ये भी नहीं बोलते कि हमारे पास इसको पढ़ाने वाले टीचर भी अवेलेबल नहीं है, ये भी नहीं बोलते, बस ये बोलते हैं हमारा हॉर्वर्ड के और MIT के मुकाबले का सिलेबस है, सही है। तो वो पढ़ाते पढ़ाते नहीं है लेकिन सब्जेक्ट्स मौजूद हैं ये वाले। अच्छा, तो मैंने कहा कि जी लेट आई इक्वल्स ज़ीरो और आई जब तक छोटा रहे किससे, प्रोडक्ट डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ, मैं कहूँ इफ़ प्रोडक्ट्स का जो आई है डॉट आई डी, बिल्कुल
तो क्या करें, सबसे पहले तो ब्रेक करें यहाँ पे, और ब्रेक करने से पहले क्या करें? अच्छा देखो, जब भी हम फाइंड करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें लगाना होता है फ्लैग, सही है, इज फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। ये एक फ्लैग मैं लगा देता हूँ, क्योंकि जाहिर है लूप ये जब चल के ख़त्म हो जाएगा तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि लूप आखिर तक ख़त्म हुआ तो प्रोडक्ट बीच में मिली कि नहीं मिली। तो अगर बीच में प्रोडक्ट मिल जाती है तो मैं इस फाउंड को क्या कर दूंगा, ट्रू क्यों करूंगा? मैं ऐसा ना करूं कि उसके अंदर ये प्रोडक्ट ही डाल दूं पूरी, है ना, प्रोडक्ट्स का इंडेक्स आई। अगर मैं ये काम ना करूं तो फिर मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, या मैं एटलीस्ट ये कर सकता हूं कि इस फाउंड में क्या रख दूं, आई रख दूं मैं एटलीस्ट, है ना, क्योंकि आई में क्या होगा कि एक नंबर ही होगा हमेशा, मुझे थोड़ी सर्टेनिटी, हाँ, तो एटलीस्ट मुझे ये काम करना होगा। मैं बिल्कुल इसको ट्रू फॉल्स पे नहीं रख सकता, अदरवाइज मुझे यहाँ एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो पहली दफ़ा लूप चला, अच्छा लूप सब लोगों को याद है ना, लूप कैसे चलता है, कोई ऐसा तो नहीं है जो लूप भूल गया है, ठीक है। अच्छा वेरीफाई कर लेते हैं ज़रा, बताओ सबसे पहले कौन सा ब्लॉक चलेगा इसमें? इनिशियलाइजेशन चला, उसके बाद कंडीशन चेकिंग हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी एक दफ़ा रन होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सही है, गुड। ये पहला साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे पे वो इनिशियलाइजेशन को नहीं चलाएगा, डायरेक्ट कंडीशन चेक करेगा। अच्छा अब इसमें कुछ रह तो नहीं किया, एल्स पे तो हमें कोई काम नहीं करना है इस पे, ठीक है। फोर के बाद इफ किस चीज़ के लिए लगेगा? हाँ, ए के फोर भी लगाना पड़ेगा मुझे, ए के फोर भी लगाना पड़ेगा। अच्छा एक काम मैं और भी कर सकता हूँ कि मैं यहीं पे ही रिस्पांस भेज लूँ, मतलब यहाँ पे ब्रेक तो हो ही गया, आगे तो कोई और कोड है नहीं मेरे पास, अगर मज़ीद इसको प्रोसेस करना हो तो मैं यहीं पे भी रिस्पांस भेज सकता हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल यहाँ पे मैं रिस्पांस भेज भी दूँ तो मुझे नीचे एक इफ़ लगाना पड़ेगा, है ना, रिस्पांस अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ तो स्टिल मुझे नीचे एक इफ़ लगाना पड़ेगा कि जिसमें मुझे पता चले कि भाई अगर नहीं चला, मतलब ये नहीं यहाँ तक पहुँचा, नहीं मिला कोई प्रोडक्ट तो क्या करें फिर। तो स्टिल बेहतर ये है कि मैं नीचे ही लगा दूँ दोनों, if or else लगा दूँ, ठीक है। is found equals to false, नहीं बस is found, ठीक है। हमने कहा था कि if की जो condition है उसमें क्या चाहिए होता है, if को true या false चाहिए होता है, अगर उसको true false ना मिले तो जो भी मिलता है उसको वो नहीं, if else में if को क्या चाहिए होता है, इफ़ एल्स को बूलियन चाहिए होता है, ट्रू फॉल्स चाहिए होता है, अगर उसको ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ भी और मिले तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, पार्स करने की कोशिश करता है जिसमें कौन सी वैल्यू पे ट्रू आता है, कौन सी पे फॉल्स आता है। नहीं वैसे इन जनरल इसको तो भूलो ना अभी, लर्निंग इज ऑल अबाउट लर्न अनलर्न और रीलर्न, तो थोड़ी देर के लिए भूलना भी सीखा करो। क्या चाहिए होता है, अच्छा कौन सी वैल्यू पे ट्रू देता है और कौन से पे फॉल्स देता है, ये जो फॉल्सी वैल्यूज है उन पे फॉल्स देता है, बाकी सब पे ट्रू देता है, सही है। अनलर्न बड़ी तेजी से हो रहा है तुम लोगों का। अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्सी वैल्यू क्या आ सकती है, फॉल्स आ सकती है, ठीक है, लेकिन एक और भी तो फॉल्सी वैल्यू आ सकती है, जीरो, ये तो गड़बड़ हो गई, तो फिर मुझे यहाँ पे ना इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स लगा देते हैं हम। अच्छा तो फॉल्स की सूरत में मैंने कहा कि यार रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और ज़ीरो भी फॉल्स ही होता है ना, तो मैं ट्रूथी और फॉल्सी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने उसको फॉल्स पे ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये एग्जैक्टली फॉल्स था तो ये एग्जैक्टली फॉल्स पे ही होगा, अदरवाइज कुछ भी होगा तो वेल्स पे चला जाएगा। अच्छा तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है, और प्रोडक्ट नॉट फाउंड, हाँ मैं वही अभी बताने लगा हूँ कि इस पे जो है ना जब नॉट फाउंड वाला होता है तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ स्टेटस कोड भी भेजूँगा मैं, हाँ स्टेटस कोड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं HTTP स्टेटस कोड, ठीक है, स्टेटस मैंने कहा कि भाई 404, ठीक है। अच्छा देखो मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड लगाया,
तो इसको मैंने चेन स्टेटमेंट बना दी है एक्चुअली, ठीक है, चेनिंग कर दी है। इसको मैं चाहूँ तो अलग अलग भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, ये भी सही तरीका है, गलत नहीं है ये, ठीक है। पहले स्टेटस इसका चेंज किया, उसके बाद सेंड का मेथड कॉल कर दिया, तो अगर फॉल्स हो गया तो मैंने ये कर दिया, एल्स मैंने क्या कह दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अच्छा, अगर मैं बाई द वे इसमें इंडेक्स की जगह पूरा ऑब्जेक्ट रखवाता ना तो मुझे ये वाला इशू नहीं आता, फॉल्सी वाला, वो फिर मुझे हर दफ़ा ट्रूथ ही मिलता। अगर जीरो इंडेक्स पे भी होता तो पूरा ऑब्जेक्ट होता ना तो ट्रूथ ही मिलता मुझे। वेल, जस्ट मेरी कंडीशन पलटी है, फॉल्स वाली जगह नीचे और ट्रू वाली जगह ऊपर चली गई है। हाँ, अच्छा मैं क्या बोलूँगा जी, प्रोडक्ट्स का इंडेक्स इज फाउंड, ये मैंने भेज दिया, तो ये मेरी API इस जगह पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अच्छा हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाँ, इसमें अगर मैं नॉट लगा देता हूँ तो फिर वो मैं कर सकता था उस, नहीं नहीं इस फॉन्ट से पहले ज़ीरो होगा तो फॉल्स हो जाएगा ना, हाँ, अगर तो ये वो वाला चक्कर नहीं होता, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, फिर मैं नॉट भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं ट्रू वाले को ऊपर रखता फिर, इस तरह कर लेता। खैर, एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप हो सकता है इस काम को करें तो किसी डिफरेंट तरीके से करें और गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई अगर डिफरेंट तरीके से करा तो वो गलत है। अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको गलती आपको नज़र आ जाए, जैसे इसमें मुझे नज़र आ गई कि अच्छा यार जीरो इंडेक्स पे अगर मुझे फाइंड आउट हुआ वो तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये गलती नज़र आ जाना या आइडेंटिफाई कर लेना ये डिफरेंट थिंग है, लेकिन किसी ने अगर मुख्तलिफ तरीके से किया इट्स नॉट अ बैड थिंग। अच्छा, इसमें भाई अभी एक चीज़ और रहती है, कौन बताएगा वो क्या चीज़ रहती है। ये पूरी की पूरी API इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें एक चीज़ और रहती है अभी, बताओ क्या है वो। इसमें सम टाइम मुझे वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सर्वर पर। वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है मुझे, वो भी अच्छे से समझ लो। देखो, अभी मेरे पास ये जो ID है ना, ये बंदा मुझे प्रोडक्ट की ID दे रहा है। प्रोडक्ट की जो ID है उसका कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई टाइप, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे मैं उसको वैलिडेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर, तो मेरे केस में अभी तो मैंने ये डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, लेकिन हो सकता है मेरे केस में प्रोडक्ट की जो ID है ना वो हमेशा एक नंबर होती हो, तो मैं क्या करूँगा, शुरू में ही इसको मैं चेक करूँगा, ठीक है, कि भाई इफ़ अगर जो है ना ये रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ID है ना, ठीक है, अगर ये इसकी टाइप नंबर है, कैसे पता चलता है नंबर है, टाइप ऑफ तो हमेशा स्ट्रिंग मिलेगा, ये नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, टाइप ऑफ, ये अच्छा सवाल, अच्छी बात निकल आई, ये टाइप ऑफ ना इसका हमेशा क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिंग मिलेगा, ये URL है ना, URL का पार्ट है ये, इसको मुझे पार्स इंट करना पड़ेगा, और पार्स इंट से भी बेहतर एक चीज़ है इज़ NAN, सही है, इज़ NAN क्या करता है, उसको मतलब छेड़ता नहीं है उसकी वैल्यू को, बट उसको क्या करता है, पार्स करके अगर उसमें NAN आना होता है तो वो यहाँ पे ट्रू दे देता है। तो मैं कहूँगा कि जी अगर ये NAN है ना तो क्या कर दो आप, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यहाँ से कर दो, ठीक है, स्टेटस के साथ, स्टेटस क्या होना चाहिए इसका, 200, क्यों, मैं तो उसको भगा रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई सही ID लेकर आ, मैं इसको बोलता हूँ कि यार इनवैलिड प्रोडक्ट ID, अच्छा इसका टाइप ऑफ भी ज़रा चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी डाउट हो रहा है कि आई एम नॉट श्योर हमेशा ही ये मुझे नंबर मिलता है या स्ट्रिंग मिलता है। वैसे ज़्यादातर चांस ये है कि स्ट्रिंग ही मिलता होगा, क्योंकि जब हम फॉर्म सबमिशन करते हैं तो उसमें भी अगर कोई टाइप नंबर होती है तो मिलती है हमें स्ट्रिंग फॉर्म में ही है वो, ठीक है। तो मैंने इज़ NAN भी लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं अब कंसिडर कर रहा हूँ ये कि यार मेरे पास ना हमेशा एक नंबर होगा, क्योंकि मैंने अभी नंबर ही रखा हुआ है, ठीक है, ऑलवेज अ नंबर। तो इस तरह की वैलिडेशन कोई हो सकती है। अच्छा, एक और वैलिडेशन मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आया कि ये ID मौजूद भी है या नहीं है, बंदे ने भेजी भी है कि नहीं भेजी है, समझ रहे हो, नहीं मतलब बंदे ने भेजी भी है ये ID या नहीं, ये तो सूरत में होगा ना जब भेजी होगी, ठीक है, हाँ। अच्छा, तो इस केस में ना मुझे वो चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
कि भेजी है या नहीं है, क्योंकि भेजेगा नहीं तो ये पैरा मेरा राउट हिट होगा ही नहीं। सही है, राउट इसलिए नहीं हिट होगा क्योंकि मैंने बोला है भाई स्लैश प्रोडक्ट हो और उसके बाद कोई चीज़ हो, कुछ हो उसके बाद, ठीक है, जब भी ये हिट होगा मतलब ये URL हिट करेंगे तो हिट होगा। अदरवाइज़ अगर उसने ये चीज़ नहीं लिखी तो वो तो दूसरा वाला हिट हो 404 हो जाएगा भाई खुद ही, क्योंकि इस नाम का कोई राउट है ही नहीं और स्लैश प्रोडक्ट। ये वाला जो है मेरा ऊपर, इसमें तो S लगा हुआ है ना, इसमें ये, इसमें S लगा हुआ है और इसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है लेकिन साथ में कुछ चाहिए जब हिट होगा, और नीचे भी कोई प्रोडक्ट के नाम से, अच्छा एक पोस्ट में, ठीक है पोस्ट, लेकिन वो गेट करेगा तो 404 ही होगा क्योंकि उस नाम से गेट में और कोई है नहीं, ठीक है। तो उस बंदे के लिए मजबूरी होगी कि वो क्या करे, इस तरह करके भेजे जब ही हिट हो, अगर इस तरह नहीं भेजेगा तो वो हिट नहीं होगा। मे भी अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्शियस हो रहा हूँ कि यार मेरे यूज़र को ना, यानी जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API, तो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक और API बनाऊँगा स्लैश प्रोडक्ट के नाम से, जिसमें मैं हार्ड कोडेड बोलूँगा कि यार आप प्रोडक्ट गलत कॉल कर रहे हो। जैसे सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API क्या होता है कि अगर बंदा गलत कॉल करे तो सामने से वो आपको बताएगा यार इसको कैसे कॉल करना है। तो फिर मैं उसके लिए अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्शियस हो रहा हूँ तो इस वाले राउट पे ना मैं एक और API बनाऊंगा यार, जिसमें मैं सीधा, क्योंकि मुझे पता है इस पे अगर आया तो गलत आया, तो मैं सीधा सीधा उस पे बोलूँगा भाई आपने API गलत कॉल की, इस तरह करके कॉल करो आप, ठीक हो गया। अच्छा स्टेटस में क्या आना चाहिए, इसमें इनवैलिड प्रोडक्ट ID तो मैंने कह दिया, स्टेटस में क्या आना चाहिए इसके लिए ज़रा मैं एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ आपको, जिसका नाम है HTTP स्टेटस कोड्स, ठीक है। Mozilla का ये डॉक्यूमेंट आ गया आपके सामने। इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज जो होंगे उसमें हम स्टेटस कोड लगा के भेजते हैं 100 से 199 तक, ठीक है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो 200 से लेके 299 तक होते हैं। रिडायरेक्शन मैसेजेस जो होते हैं वो 3 से 399 तक। क्लाइंट की तरफ से अगर एरर होता है तो 400 से लेके 499 तक, जैसे 404 है वो क्लाइंट की तरफ से एरर है, एज अ सर्वर मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है। क्लाइंट की तरफ से क्या एरर है कि उसने URL जो हिट किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो उसने URL या तो गलत लिखा है। मैं ये सुन, क्लाइंट की साइड से एरर है, ठीक है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं वो लाए कर रहा होगा, अभी हम देखते हैं। अच्छा नंबर 5 सर्वर की तरफ से एरर होगा तो 500 से लेके 599 तक होगा, ठीक है। सर्वर की साइड से क्या एरर हो सकता है कि जी डेटाबेस ऑफलाइन हुआ होगा, रिक्वेस्ट तो बंदे ने सही की थी, वो दरमियान में एक पूरा जो लॉजिक थी उसके दरमियान में आके वो क्या हो गया, क्योंकि डेटाबेस मेरा ऑफलाइन था इसकी वजह से वो डेटाबेस में जा नहीं सका और मैंने रिवर्स कर दिया पूरी रिक्वेस्ट को, तो ये मेरी तरफ से एरर हुआ एज अ सर्वर, सर्वर की तरफ से ये एरर हुआ सर्वर। हाँ अच्छा आ जाते हैं इस पर क्लिक किया मैंने इंफॉर्मेशनल पर, स्विचिंग प्रोटोकॉल ये वाली चीज़ है, ये हमें आमतौर पर सर्वर पर करना नहीं पड़ता, ये खुद ही हो रही होती हैं, ठीक है। स्विचिंग प्रोटोकॉल से हमारा क्या लेना देना, हम तो एक हाई लेवल पे काम कर रहे हैं ना। अच्छा उसके बाद देखो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है ना, 200 का मतलब है ओके, 201 का मतलब है क्रिएटेड, 202 का मतलब है एक्सेप्टेड, सही है, 203 नॉन ऑथेंटिक अथॉरिटिव इन्फॉर्मेशन। अच्छा इसकी पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वाली चीज़ मेरे अगर एप्लीकेशन में मेरे सर्वर पे एप्लीकेबल ही नहीं है तो मैं क्यों लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहीं पे लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह इन्होंने ये छोटा मोटा लिखा है, 208 तक इन्होंने लिखा हुआ है, 266 लिखा हुआ है, उसके बाद के सारे खाली हैं, 266 से ऑनवर्ड्स 299 तक काफ़ी सारे स्टेटस कोड हैं जो कि खाली हैं। तो सर्वर लिखते हुए क्या करता हूँ मैं, उसकी जब डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ तो मैं अपने खुद के कोड भी बना सकता हूँ, जैसे इन्होंने लिखा है ना कि 207 का ये मतलब, 206 का ये मतलब, ऐसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में लिखूंगा कि मेरा जो स्टेटस कोड शुरू हो रहा है ना सक्सेसफुल रिस्पांस का, वो हो रहा है 270 से, 270 का ये मतलब, 271 का ये मतलब, 272 का ये मतलब, सही है। तो एरर कोड मैं अपने डिफाइन करने के लिए वो खाली छोड़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई एग्जिस्टिंग API का मैं वो वाला कोड अगर तुम्हें दिखा पाऊँ, अच्छा कोड से भी बना सकते हैं, कोड के अलावा वैसे स्ट्रिंग भी बना सकते हैं कि जी एरर कोड, और जैसे एक आता है फायरबेस के जो है ना एरर कोड्स, क्योंकि सर्वर है ना वो भी, ये देखो एरर कोड ये लिखा हुआ है कि ये आएगा तो उसका मतलब ये है, ठीक है। ये एरर कोड सारे, ये सारे पॉसिबल एरर्स हैं जो सर्वर से रिटर्न कर सकता है, फायरबेस एक डेटाबेस है अगर किसी को नहीं पता तो,
ठीक है, ये सारे एरर के कोड इसने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं कि ये एरर के कोड आ सकते हैं और उसका मतलब सामने क्या होगा वो भी लिख दिया इन्होंने। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, देखो सबसे लास्ट में यूज़र नॉट फाउंड लिखा है, अगर ये कोड आया तो उसका मतलब है देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह ये जितने भी आपके सर्वर के प्रोवाइडर हैं ना, अभी आपने ओपन वेदर API इस्तेमाल किया था ना, उसमें भी उन्होंने एरर का कोड बना के लिखा होगा। फ्रीक्वेंटली ऑब्जेक्ट के अंदर तो होता है, एरर का कोड भी तो आता है। हाँ नहीं, मैसेज तो दिया होता है लेकिन कोड भी दिया हुआ होता है, क्योंकि मैसेज को ना आप ifelse में कॉम्पेयर नहीं कर सकते, कोड को आप कॉम्पेयर कर सकते हैं ifelse में ना, तो हमेशा कोड लाजमी आता है। अभी वो फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा सामने, देखो एक इन्होंने 429 एरर जो है ना लिख के बताया हुआ है कि ये किस वजह से हो सकता है, कि अगर आपका बिलिंग प्लान ना डिसेबल हुआ हुआ है, मतलब बिलिंग आपकी अगर बंद हो गई हो, वैसे पूरा भी कहीं ना कहीं इन्होंने लिस्ट बनाई भी होगी वो फॉरी। अच्छा ये रहा ना API एरर्स, देख रहे हो 401, 404, 429 और 500, 502, 504। कह रहा है अगर इनमें से कोई भी हो ना तो आप हमसे कांटेक्ट करें, बस छोड़ दें बाकी चीज़ें। 429 तो इनके बहुत ज़्यादा कोई एरर है नहीं, क्योंकि छोटी सी वेदर की API है, तो इसमें ये 4-5 ही एरर आ सकते हैं पॉसिबल, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छी बात है भाई, कम एरर आते हैं। अच्छा तो यहाँ पर मैं फोर स्टेटस में क्या लिखूँगा, अगर इनवैलिड ID है तो 403 लिखूँगा मैं इसमें, सही है 403, ज़रा देखते हैं ना क्या था। ओ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 403 इसमें आएगा, फॉरबिडन होता है शायद 403 ना, सही है फॉरबिडन होता है कि द क्लाइंट डज नॉट हैव एक्सेस राइट टू द कंटेंट और दिस 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 ऑन अनऑथराइज्ड सर्वर इज रिफ्यूजिंग, सही है सर्वर इज रिफ्यूजिंग वाला चक्कर है ये। अच्छा नॉट एक्सेप्टेबल ये वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। अब जैसे REST API के प्रिंसिपल्स पे हमने डिस्कशन की थी ना, इसकी भी डिस्कशन लंबी है, लेकिन मेरा ख्याल है वो अभी हम उसके अंदर नहीं जाते, खुद से ही इस पर एक एक को क्लिक करके ना ऐसे इसकी डिटेल जाके पढ़ लेना कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे ये नॉट एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल में भाई क्या मतलब है, ये पूरी इसने लंबी कहानी लिखी हुई है कि ना क्या चक्कर है इसका। ठीक है चलो इसको बंद कर देते हैं हम और वापस यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो 403 मैंने कह दिया भाई फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ सर्वर की साइड से कि ये नहीं चलेगा। अच्छा अब अगली API पे चले जाते हैं, पोस्ट प्रोडक्ट, कि अगर एक नई प्रोडक्ट कोई बंदा पोस्ट करना चाह रहा है तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं बॉडी में कुछ डेटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बंदे से। ठीक है, तो स्टिल वैलिडेशन लगाऊंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, वैलिडेशन में बॉडी में मैं क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे, एग्जैक्टली पूरा यही चीज़ एक्सेप्ट कर, ठीक है एग्जैक्टली पूरी यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ बॉडी पार्सर मैंने ऊपर लगाया हुआ है आई थिंक, अच्छा नहीं लगाया हुआ, लगा देते हैं ऐप डॉट यूज। हम हाँ अब वो पहले बॉडी पार्सर लगाना होता था, अब हम करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन है ना, जेसन। ठीक है एक्सप्रेस डॉट जेसन, अच्छा पहले वो URL इनकोडेड वाला नहीं था इसका, अभी वो भी आ गया URL इनकोडेड वाला भी। हाँ बॉडी पार्सर में क्या इशू है,
हाँ उसमें था, और पहले वो करना पड़ता था कि URL इंपोर्टेड के लिए बॉडी पार्सर लगाना होता था, अभी इन्होंने वो दूसरा वाला भी बना दिया। ठीक है, तो ये मैं पूरा का पूरा ऐसा ऑब्जेक्ट जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, सही है। और तो मैं कैसे करूँगा इससे, मैं बोलूँगा भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी होनी चाहिए, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम होना चाहिए, एंड रिक्वेस्ट डॉट ऑर्डर प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसका मैं लाइन ब्रेक भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब मौजूद होंगी जब ही ये इफ़ ट्रू होगा, ये सारी चीज़ें जब मौजूद होंगी जब ही ये इफ़ ट्रू होगा। अच्छा, लेकिन मुझे क्या कराना है, ये इफ़ कब ट्रू कराना है, जब इनमें से कोई चीज़ मिसिंग हो, यही करना है ना मुझे। अभी तो ये हो गया, तुमने बोला एंड एंड, मैंने लगा दिया एंड एंड, लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो मैंने उस पर कोई एक्शन लेना है ना। अगर सारी चीज़ें मौजूद हैं फिर मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। अब बताओ इसको मैं क्या लिखूँगा कि कोई चीज़ मिसिंग वाले पे ये मूव कर जाए, क्योंकि कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो और तो हो गया है ना, कोई एक वाला जिक्र आ गया तो और हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले तो इसको मैं कर दूँगा कि भाई ये एंड नहीं होगा, ये और होगा। सही है। अच्छा, अब अभी तो ऐसा होगा कि कोई एक भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ये चल पड़ेगा, तो ये पहले मैं आईडी पे देखेगा, आईडी मौजूद है ये चल पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, आईडी अगर मौजूद नहीं हो तो चलाना है, तो मैं इसके पीछे नॉट लगा दूँगा। सही है, इन सब के पीछे मैं नॉट लगा दूँगा ऐसे। सही है, समझ आ रहा है सब लोगों को, ये लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ चुके हो ना सब लोग। अच्छा, तो अब क्या होगा यहाँ पे चक्कर के, नॉट आईडी, अगर आईडी मौजूद होगा तो एक नंबर होगा, नॉट लगेगा तो वो फॉल्सी वैल्यू बन जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा ये। जब फॉल्स होता है तो और वाला क्या करता है, वो अगले की तरफ मूव करता है, उसको चेक करता है कि इसमें से शायद कोई ट्रू हो जाए, तो इस तरह वो नॉट नॉट करते करते वो आखिर तक जाएगा यहाँ तक, और किसी एक पे भी ट्रू नहीं होगा अगर सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं तो, और अगर कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी तो उस पर वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, यार ये इंडेंटेशन में पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा पीछे है, हालांकि इसको यहाँ पे आना चाहिए इधर। वेल छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा जी, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वही स्टेटस के साथ मैं बता दूँगा इसको, 403 कर दूँगा पहले। और अब यहाँ पे ना इस जगह पे थोड़ी सी सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैक टिक लगाया है, सही है, ये बैक टिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं मल्टी लाइन का यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने लगा हूँ। ठीक है, जो नॉर्मल वाला है ना, ये जो डबल कोटेशन वाला है, इसमें मल्टी लाइन लिखने में ना ये बहुत मसले करता है, फिर इसमें पीछे वो बैक स्लैश लगाना पड़ता है, फिर वो हर लाइन से ब्लैक स्लैश लगाओ, फिर बड़ा मसला है वो। तो मैं इसमें बैक टिक लगा देता हूँ, और मैं इसमें लिख देता हूँ कि यार ये मुझे चाहिए इस तरह का माल। सही है, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, सही है, और एग्जाम्पल रिक्वेस्ट बॉडी, जेसन रिक्वेस्ट बॉडी कर देता हूँ बल्कि। सही है, अब इसको इस जुमले को मज़ीद आप फैब्रिकेट कर सकते हैं, अच्छा सा बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस, कि जी आपने ये पहले एरर बताया और फिर आपने एक एग्जांपल बता दी कि भाई बॉडी में आपने इस तरह करके भेजना है, और ये आपने लिख भी दिया यहाँ पे ऑलवेज नंबर होगा ये, तो बंदे को समझ आ जाएगा खुद ही, अगर उसने कोई बॉडी में कोई एक आध चीज़ मिसिंग की होगी ना तो यहाँ से देख लेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड ये और भी फॉर्म्स हैं, सही है, और भी इसके अलावा भी फॉर्म्स हैं। उसमें ये होता है, एक फॉर्म ये होती है कि आप कोड लिखते जाते हैं ना तो साथ में डॉक्यूमेंट भी जनरेट होता जाता है पीछे, उसके लिए वो क्या बड़ा अच्छा टूल है यार उसके लिए यूज़ करते हैं, किसी को नाम पता है उसका, खुद से जो डॉक्यूमेंट जनरेट मारता है, नाम भूल गया मैं बिल्कुल यार अभी, अब गूगल कर लेते हैं ना, बड़ा मशहूर है यार, मेरे अभी नाम ही नहीं, स्वैगर, यस ठीक है,
स्वैगर एपीआई, सही है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का ही ये टूल है और क्या कर देता है, अच्छा इसमें और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वन ऑफ दोज फंक्शनैलिटीज़ है कि वो जब आप कोड लिखते हो ना तो उस कोड में, अब जाहिर है यार आपने जब यहाँ पे कोई चीज़ चेक की हुई है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आप यूज़र से मांग रहे हो ना, जब ही तो चेक की हुई है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके जो भी चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, या यहाँ पे जैसे देखो ये लगा है ना, ये प्रोडक्ट के बाद ये वाली चीज़ लगी हुई है, तो वो इसको ना सेंस कर लेता है क्योंकि है तो कोडिंग है, कोडिंग पे जब एक चीज़ लिखी हुई है तो उसको सेंस किया जा सकता है, तो वो उसको सेंस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है। अच्छा, एक सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पोस्टमैन से भी होती है। पोस्टमैन से कैसे होती है वो भी ज़रा दिखा देता हूँ मैं। पोस्टमैन पे क्योंकि जब एपीआई बना रहे होते हैं आप तो साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, आप पोस्टमैन पे टेस्टिंग करते हैं तो पोस्टमैन में एक बटन होता है उसको क्लिक करो ना, लेकिन पोस्टमैन वाले थोड़े से वो हैं डैश, तो वो पैसे मांगते हैं उसके। अच्छा, स्वैगर भी वैसे तो फ्री, बिल्कुल फ्री नहीं है, इसमें मुझे साइन इन करना पड़ेगा पहले सबसे। ठीक है, साइन इन करने का रीज़न ये है कि मैं पहले से बनी हुई जो एपीआईज हैं मेरे पास मैं उनमें से कोई दिखा दूँगा, और फिर हम अभी तो टेस्टिंग कर ही रहे हैं साथ साथ, तो वो अपना भी बनाते जाएंगे फिर हम एक साथ साथ। चलो, ये मैंने एक वर्क स्पेस खोला जिसमें कोई कलेक्शन नहीं है। हाँ, ये आ गया ना। जैसे कि स्मार्ट हेल्थ, ये मेरे पास ना देखो बहुत सारी कलेक्शंस बनी हुई, कैसे बनाते हैं अभी हम देख लेंगे ना। तो ये जैसे ये एग्रीकल्चर ऐप है, अब इसमें देखो ये सब है, लॉग इन साइन अप, गेट ऑल ज़मीन, गेट ऑल बैलेंस। ठीक है, ये मैंने बचपन में बनाया था, ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने सर्वर का बनाया था। सही है, देख रहे हो कोई एपीआई के वो फॉलो नहीं हुए हुए इसमें, ऐड बैलेंस, ऐड ज़मीन। अच्छा, इस पे यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे एक जगह आ रही होती है शेयर, नॉट शेयर, व्यू डॉक्यूमेंटेशन, यस। अच्छा, अब इसमें कुछ मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिखी नहीं है, लेकिन देखो इसने ये यूआरएल बता दिया कि यार ये यूआरएल होगा। ठीक है, हरी को उस वक्त फ्री हुआ करता था, उस ज़माने की बात है ये, अब तो हरी को वालों के अंदर चर्बी हो गई है, पैसे बढ़ा दिए उन्होंने। ठीक है, और ये मुझे बता रहा है कि यार बॉडी में ना इस तरह का डेटा चाहिए होगा आपको, और फिर पोस्ट करके एक लॉगिन होगा उसमें आपको इस तरह का चाहिए होगा, फिर एक पोस्ट करके गेट ऑल ज़मीन होगा। ठीक है, देखो पोस्ट की रिक्वेस्ट लगाई हुई है गेट की जगह, देख रहे हो लेवल। तो एक टाइम मेरा भी गुजरा है ऐसा, डायरेक्ट मैं इस जगह पे नहीं पहुंच गया जहाँ पे मैं हूँ अभी। ठीक है, V1, लेकिन उस वक्त पता था मुझे, देख लो। तो सही है, जेसन में इस तरह इसको बॉडी चाहिए, तो पूरा इसने ये डॉक्यूमेंट ना बना के मुझे दे दिया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सिर्फ मैं देख सकता हूँ। अगर इसको मैं किसी से शेयर करूँगा ना, ऐसे पब्लिश का एक बटन है, पब्लिश के बटन से क्या होता है कि ये बकायदा इसका एक यूआरएल बना देता है, वो यूआरएल मैं किसी को दूंगा उसके बाद डायरेक्ट ये वाली चीज़ खुलेगी। तो वो पब्लिश के ना पैसे मांगता था ये उस वक्त। रीडमी भी शायद, यार बस इन्होंने पैसे कमाने हैं थोड़ा सा, इसलिए रखा है इन्होंने ऐसा। हाँ, ये कर सकता हूँ मैं कि इसको मैं कॉपी कर दूँ ऐसे करके पूरे को, लेकिन कॉपी करके जो है ना वो अच्छा। देखो ना, इसमें इन्होंने ये भी चीज़ ऐड की हुई है कि भाई लैंग्वेज कौन सी, मैंने कहा यार नॉट जेएस पे बना के दो मुझे। सही है, एक्सियोस के साथ, नेटिव के साथ, या किसके साथ। अब देखो कोड एग्जांपल भी है ना, इसने वो वाला कर दिया होगा अभी, ये रहा ओपन रिक्वेस्ट का बटन दबाया मैंने, नहीं, ये बाकायदा नॉट जेएस का कोड लिख के दे रहा होता है यार, पता नहीं अभी क्यों नहीं लिख के दिया इसने। जैसे वो तुमने देखा होगा ना एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में अक्सर कि वो थोड़ा सा बताया हुआ था नीचे, कोड एग्जांपल आ रही होती है छोटी सी, तो ये वो भी बना कर देता है पूरा। अभी शायद ये कोई ग्लिच व्लिच मार रहा है, मैंने कहा सी शार्प, नहीं अभी तो ये हिल भी नहीं रहा। ठीक है, वेल, तो ये
तुम्हें बता दिया मैंने कि यार डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से भी लोग कर रहे होते हैं। अच्छा अभी हम इस तरह एपीआई अपनी कंप्लीट कर लें तो हम आके अपनी एपीआई को भी यहाँ पे टेस्ट करेंगे इसी तरीके से, और जब हम टेस्ट करेंगे एपीआई को तो हमारी भी इसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगी। बट दिस इज़ नॉट फ्री इन पोस्टमैन। अच्छा देख रहे हो डिफरेंट थीम वगैरह भी है जो पब्लिश करने के लिए ना मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्यों पब्लिश का बटन दबाया था तो ब्राउज़र पे खुला था, अब वो कह रहा है भाई पोस्टमैन पे कौन सा कलर लगाना है, मतलब ऐसा डार्क लगाना है लाइट लगाना है, इस कलर को मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रोडक्ट के हिसाब से ना इसको मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि यार इसमें लगाओ कुछ ऐसा कलर लगाओ, ये मैंने किया सिलेक्शन इसकी, पिक अ कलर फ्रॉम पेज, यहाँ जाता हूँ मैं, सही है टेल विंड वाला कलर लगाता हूँ लाके मैं। मैंने कहा भाई ये हो जाओ कलर, हेक्स कोड इनवैलिड क्यों भाई, हेक्स कोड क्यों इनवैलिड है, 1 2 3 4 5 6 सही तो है। खैर तो देख रहे हो ये पूरा कोड वर्ड सब चेंज कर रहा है भाई, सिंगल कॉलम डबल कॉलम सारे कलर बता रहा है, कलर पिकर नहीं खोल रहा ना, इनको कलर पिकर खोलना चाहिए यहाँ पे। देखो एक ग्लिच है इसके अंदर, कलर पिकर इसमें खुलता ना तो यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता और कोड वर्ड भी पेस्ट कर लेता। URL किस तरह से अपेयर हो, अपेयर ये चीज़ें यार नई है, ऐड कर दी इन्होंने, पहले नहीं था ये वाला सारा माल। सही है यार गुड। चलो वापस आ जाते हैं अपनी हम किस पे भला, API के ऊपर। अच्छा मुझे कोड चाहिए इस तरफ और प्रीव्यू चाहिए उस तरफ। अच्छा पोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ये वैलिडेशन लगा ली, मैंने उसके ऊपर बोल दिया इसको कि भाई 403 और रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। वंस मेरे पास सारे पैरामीटर अगर मुझे मिल जाते हैं, अच्छा अब इस वैलिडेशन की ना देखो कोई लिमिट नहीं है, इस वैलिडेशन में मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं एक एक का डेटा टाइप चेक कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर कोई ID नंबर है तो उस नंबर की मैक्सिमम लिमिट चेक कर सकता हूँ कि जी अच्छा ये 15-16 डिजिट से ज़्यादा का ना हो, तो इस तरह अब इसकी कोई लिमिट नहीं है डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस के लिए ऐप बना रहा हूँ और किस किस्म का वो कितना यानी मुझे रोबस्ट ऐप चाहिए, उस हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा आगे आगे जाता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंट अपना बढ़ा देता हूँ। इस वैलिडेशन के लिए ना बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ भी मौजूद हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, जैसे एक यप करके एक है उसमें वो MongoDB के साथ भी यूज़ करते हैं लोग, तो आप बोलते हो कि यार यप डॉट नंबर कि जी ये नंबर ही होना चाहिए, अच्छा फिर नंबर उसके बाद डॉट लगा के मैं बोलता हूँ मैक्स कि जी इतना 2000 मैक्स और डॉट मिन और इतना यानी 200, तो 200 से लेकर 2000 के बीच में होगा तो वो ट्रू देगा अदरवाइज वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो मैं ज़रा वैलिडेशन का मुझे मेहनत बचा देता है इस तरह की। और बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं आप अभी पता नहीं मैं भूल रहा हूँ यप ही है या कुछ और है वो, हाँ यप है ना वो, हाँ यप ही तो है, नहीं तो वैलिडेशन है वो, तो वैलिडेशन स्कीम है ये किसी पे भी लगा दो आप, ठीक है। जैसे देखो इसने बोला ना यहाँ पे ये बता रहा होगा कहीं पे, डॉट मिन लिखूंगा ना मैं, ये रहा देखो ये कह रहा है स्ट्रिंग के ऊपर डॉट मिन लगाओ लिमिट लगाओ दैट्स इट। हाँ अच्छा नहीं मगर यार एक चीज़ है ये तो कह रहा है मेरे को वो भी चाहिए, रेफरेंस भी चाहिए डॉक्यूमेंट का, ये शायद स्पेसिफिकली MongoDB के साथ ही करता है काम। वेल अभी हम क्योंकि वैलिडेशन स्कीमा पढ़ नहीं रहे, मैंने जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि भाई ये जो काम मैं हाथ से कर रहा हूँ ना इसके लिए लाइब्रेरीज बहुत सारी मौजूद हैं, ठीक है, तो आप जब आपको ज़रूरत पड़े या आपको इस तरह की कोई ऐप बनानी हो, जो देखो अब जैसे मैं कह रहा हूँ ना किस एक्सटेंट तक आपको जाना है इसमें, तो अगर तो कोई ऐप बन रही है ना या कोई सर्वर बन रहा है मिलिट्री ग्रेड का तो उसमें तो फिर भाई एक एक चीज़ चेक होगी, जो जो पॉसिबल चीज़ें ना वो सारी चेक होंगी उसके अंदर, क्योंकि वो बैटल फील्ड में इस्तेमाल होगा जाहिर है, तो बैटल फील्ड में ना कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, गलती की गुंजाइश हमने नहीं रखी, जैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह होता है कोई क्रिटिकल चीज़ें होती हैं मेडिकल ऑपरेशन थिएटर में चलने वाली चीज़ें उसमें भाई हमारे एक्सटेंड तक जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई यूज़र लेवल की एप्लीकेशन है
तो उसमें कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत ब्रेक ब्रेक भी हो जाए तो खैर है, दोबारा रीलोड कर लेगा वो, दोबारा रिक्वेस्ट भेज देगा वो, ठीक है। तो अब इसके दरमियान में वो बहुत सारे आते हैं जी, एंटरप्राइज़ है वो कहते हैं जी हमारी एप्लीकेशन ना ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो ज़रा आप उसमें फिर दरमियान में कहीं आप रुकते हो उसमें। और एज अ फ्री लांसर भाई हमारे लिए कि कौन कितने पैसे दे रहा है, सीधी बात है ये। अगर कोई बंदा है ना, उसको मैंने बोला भाई $50 घंटे के, और निगोशिएट करके मुझे बोल रहा है नहीं यार मैं तो 10 दूंगा, तो वो भी काम मैं मना तो नहीं करूँगा, पकड़ लूँगा मैं वो, लेकिन ये है कि फिर उसको फिर काम उसी क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। मतलब उसमें वैलिडेशन जो बस इनफ वैलिडेशन लगेगी उसमें, ज़ाहिर है मैं एक्स्ट्रा माइल उसके अंदर नहीं जाऊँगा, ठीक है। और ये बात मैं उसको जो कोटेशन दूंगा उसमें मैं मेंशन भी करूँगा, ये बात सही है, मेंशन करना ज़रूरी है, मेंशन करूँगा कि भाई वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसमें वैलिडेशन नहीं होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रोबस्टनेस नहीं होगी उसके अंदर। तो अब वो मैंने अपने हिसाब से एक स्कीमा बनाया हुआ है, जो जब किसी को प्रपोज़ल भेजता हूँ तो उसमें मैंने ज़रा वो फैब्रिकेटेड करके वो जुमले ऐड किए हैं कि जी वो इस तरह की जो एक्स्ट्राज जो है ना वो उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। एक्स्ट्राज के अंदर मैंने रखा हुआ भाई परफेक्ट वैलिडेशन और वो क्या कहते हैं रोबस्ट API और वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड APIs, तो ये सारी चीज़ें वो एक्स्ट्राज में मैंने की हुई, उस पर क्रॉस 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 लगा हुआ जाता है, तो वो बाद में मतलब है ना, मतलब उसको पता हुआ, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं मज़ीद इसमें वैलिडेशन नहीं लगा रहा, मैं बोलता हूँ भाई प्रोडक्ट्स डॉट पुश, और डॉट पुश करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्या मैं ऐसे करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लगा दूँ? क्यों? अगर डेटा में उसने एक्स्ट्रा कुछ डाल के भेजा हो यूज़र ने तो वो भी आ जाएगा, सही है। तो देखो पता तुम्हें सब है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। अच्छा ऐसे कर दूं फिर भी सब आ जाएगा, सही है। तो आप इसको ऐसे भी नहीं करेंगे, आप उसको एग्जैक्टली आप पूरा इसको ऐसे यहाँ पे लाके लिखेंगे, और जो जो चीज़ें आपने मांगी है ना वही वही चीज़ें आप बॉडी में से निकालेंगे, क्योंकि बॉडी में वो कुछ भी डाल के भेज सकता है। इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, जब बॉडी में कुछ भी डाल के भेज देता है वो, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। जैसे कोरोना का इंजेक्शन लग रहा था ना, ये वही इंजेक्शन है। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, ये भूल गया हूँ क्या मैं, हाँ नहीं याद आ गया। अच्छा सही है, ऐसे करके मैंने ये बात लिख दी, जो जो मुझे चाहिए था चारों मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा तो इसको हम कहते हैं इंजेक्शन, एक बड़ा मशहूर हुआ था किसी ज़माने में, उसको हम कहते थे SQL इंजेक्शन, क्योंकि SQL में क्या होता है कि आप जो क्वेरी जो लगाते हैं ना, एक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। अच्छा MongoDB में भी हो जाता है बाय द वे, MongoDB में भी इंजेक्शन होते हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई मिलिट्री ग्रेड की आप ऐप बना रहे हैं या कोई एंटरप्राइज लेवल की, और उसने बाकायदा मेंशन किया है कि यार ये सिक्योर होनी चाहिए ऐप, और सिक्योरिटी के वो फिर लेवल्स होते हैं, आप अलग से गूगल कीजिएगा कि वो सर्वर में सिक्योरिटी के क्या लेवल्स होते हैं। तो भाई अगर तो वो सिक्योर सर्वर बनाना है तो उसमें आपको इंजेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। अब देखो उसमें क्या होता था SQL इंजेक्शन के अंदर, कि आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल नंबर मांगा बंदे से ना, अब रोल नंबर आपने मांगा, अब आप क्या करते हो, आप क्वेरी बनाते थे ना उसमें, सेलेक्ट स्टेरिक और फ्रॉम स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे, ठीक है, और वेयर रोल इक्वल्स, अब यहाँ पे आप लगा दोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल नंबर, है ना, इसी तरह करके कुछ होता है उसके अंदर। अब ये तो आपने लगा दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल नंबर, अब SQL के अंदर एक चीज़ होती है क्वेरी को जो है ना वो कर देते हैं, हाँ क्वेरी मल्टीपल क्वेरी लगा सकते हैं आप एंड करके ना, वो ये वाला एंड नहीं होता, एंड वाला नहीं होता वो, पता नहीं कोई दूसरा एंड होता है, तो शायद वो ये वाला एंड होता है, मैं भूल गया हूँ अभी तो SQL बहुत ज़माना हो गया पड़े हुए, हाँ इन्वर्टेड कॉमा से इस क्वेरी को बंद कर देते हैं और फिर एंड लगा के फिर एक और क्वेरी लगाते हैं कि भाई स्टूडेंट की टेबल से तो उठा रहे हो, एक
प्रोडक्ट की टेबल से भी एक फला चीज़ उठा के लाओ जिस प्रोडक्ट की आईडी ये वाली है, और फिर फला टेबल से भी एक चीज़ उठा के लाओ जिसकी ये वाली है, और फिर लास्ट में हम लिखते हैं कि इनको कंबाइन करो और कंबाइन करके रिटर्न करो। ठीक है, तो आपने तो जस्ट लिखा था इतना, लेकिन उसने जो बंदे ने रोल नंबर लिखा है ना ये वाला, इतने में उसने सिर्फ रोल नंबर नहीं लिख के भेजा, उसने रोल नंबर भी लिखा है, आगे की क्वेरी भी लिख दी है उसने। अब वो जब इधर चलेगी तो वो पूरी की पूरी क्वेरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा डेटा मिल जाएगा जो इंटेंडेड नहीं था आपकी तरफ से कि उसको चला जाए। कोई ऐसी टेबल है जो सिक्योर रखी हुई थी आपने, ठीक है, इस तरह वो लॉगिन साइनअप के वो यूज़र के सारे उन्होंने किए हुए हैं लोगों ने। तो इसमें फिर इसका करना क्या होता है कि जी जब ये रोल नंबर आता है ना, तो या तो इसको क्वेरी में लगा के इस तरह, और या तो लगाने से पहले इसको हमें चेक करना पड़ता है कि यार इसमें क्या भेजा है इसने, उसकी लाइब्रेरीज बनाई हुई है उन्होंने सीक्वल पे, ठीक है, सीक्वल इंजेक्शन के नाम से। तो आप वो उस पर डालते हैं कि भाई इंजेक्शन डॉट चेक करके, तो वो उसको चेक करके बता देता है कि यार इसमें इंजेक्शन वाली चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल उसको चेक करना इतना भी आसान नहीं है, इतना आसान इसलिए नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ख़ुद भी वो मल्टीपल चीज़ कर रहे होते हैं और साथ में कंबाइन करके रिटर्न कर रहे होते हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अच्छी खासी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तो मतलब बड़ा मुश्किल है। और MongoDB के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। कैसे हो सकती है, अभी MongoDB हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो भी देख लेंगे हम। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कम होता है इसके अंदर, क्यों, इसमें उस तरह का मामला नहीं है, इसमें ज़रा ब्रैकेट में जेसन में लगता है, कंडीशन लगती है, तो अब उस जेसन के अंदर आप कंडीशन क्या ही लगा लेंगे, लेकिन भाई उसमें भी वो लगा देते हैं, हाँ उसमें भी वो लगा देते हैं। तो आप अलग से देखेंगे ना, यहाँ पे आप लिखेंगे आके SQL इंजेक्शन, तो ये आ गया जी SQL इंजेक्शन क्या है, और ये MongoDB में भी हो जाता है, ठीक है, नो SQL इंजेक्शन कहते हैं इसको, MongoDB अटैक एग्जांपल्स। अब ये आर्टिकल इस तरह के हैं, इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल है MongoDB में पढ़ा नहीं है, तो उसको एक्सप्लोर करना बेकार है। अच्छा जी, तो ये प्रोडक्ट को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और प्रोडक्ट जैसे ही मेरी ये क्या किया मैंने, अच्छा इस इफ़ की बॉडी के अंदर ही लिख रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, सही, इफ़ की बॉडी यहाँ क्लोज़ हो गई, उसके बाद है ये। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे मैं क्या बना देता हूँ, स्टेटस 201, गुड, वैसे 200 भी भेज दें तो कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन अच्छा अब एक चीज़ और देखो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भेज दिया, ऊपर मैंने क्या भेजा था, ऊपर मैंने भेजा था पूरा का पूरा एरे, ठीक है, ये काम ना इसको भी अगर अवॉइड कर सकें तो अवॉइड करें, बेहतर है। इसके लिए आइडियल तरीका ये होता है कि मैं एक जेसन बनाऊं, हर दफ़ा एक जेसन बना के भेजूं, उसमें एटलीस्ट एक मेरे पास खाना हो मैसेज का, जिसमें यूज़र को दिखाने वाला मैसेज रखूं मैं, और दूसरा मेरे पास हो डेटा, जिसके अंदर मैं एक्चुअल डेटा जो भी भेजना चाह रहा हूं मैं वो रखूं। सही है, तो ये आइडियल केस होता है। इसमें क्या होता है, वो जो यूनिफॉर्म रिसोर्स वाला है ना जो तरीका, कि जी वो URL क्योंकि यूनिफॉर्म है तो रिस्पॉन्स भी ज़रा यूनिफॉर्मिटी उसमें आ जाती है। ये वैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स में ये वाला बात जिक्र नहीं करते, लेकिन मैंने ये फील किया है कि अगर ऐसा करें तो ज़रा सही रहता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे एक जेसन बनाऊँगा, और एक जेसन बना के मैं लिखूँगा इसमें मैसेज। सही है, मैसेज खाली भी रख दें आप भले, और उसके बाद डेटा, और डेटा के अंदर आपने ये वाली बात लिख दी। सही है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड हमेशा क्या होगा, इस तरह से होगा। हाँ हाँ, प्रोडक्ट फाउंड विद आईडी, और ऐसे करके आप आईडी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट फाउंड मैं इस तरह नहीं बोलूँगा। ठीक है, आइडियल केस ये हो कि मैं ऐसे मैसेज करके बोलूँगा मैं। ठीक है, और मैसेज करके जब मैं बोलूँगा तो डेटा मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, तो डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा या अनडिफाइन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया हुआ है ना, वहाँ वहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मैं ये काम कर दूँ।
ठीक है। अच्छा इसमें मुझे ये भी ख्याल रखना है कि क्या मैं ये मैसेज यूज़र को दिखाने के लिए भेज रहा हूँ। अगर यूज़र को दिखाने के लिए भेज रहा हूँ तो मैं उसी हिसाब से उसको फैब्रिकेट करूँगा कि वो यूज़र को पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। और अगर मैं डेवलपर के लिए भेज रहा हूँ तो मैं उसको इस तरह भी रख सकता हूँ कि यार ऑल प्रोडक्ट फाउंड, या इस फाउंड फॉल्स, या इस तरह की जो कोड वाली चीज़ें हैं वो रख सकता हूँ इसके अंदर में। सही है जी। अच्छा ये तो टॉप वाला है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमने वैसे मतलब हमारे काम का नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं। अच्छा ये हो गया जी, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सही कर दिया हमने, ये वाला भी सही कर दिया। और आ जाते हैं हम ये वाला, इस वाले को भी सही कर देते हैं। ठीक है, मैसेज क्रिएटेड। अच्छा जी अब आ गया हमारे पास पुट, कि जी कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको मैंने क्या करना है, अपडेट करना है। अच्छा अपडेट करते हुए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे बॉडी में अगेन डेटा चाहिए होगा, इस तरह से डेटा चाहिए होगा मुझे, ठीक है। तो वैलिडेशन भी उसी तरह से मैं लगाऊंगा, सही है। अच्छा क्या ये वैलिडेशन सही है? अच्छा अपडेट पे मुझे वैलिडेट क्या करना होगा, क्या मुझे सारे पैरामीटर्स चाहिए या मुझे कोई एक पैरामीटर एटलीस्ट चाहिए? अच्छा दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। सम टाइम हमारे पास यूज़ केस कुछ ऐसा होता है कि नहीं जी जब भी अपडेट होगा ना तमाम के तमाम पैरामीटर्स अपडेट होंगे, और सम टाइम ऐसा होता है कि जी चलो नेम है तो सिर्फ नेम अपडेट कर दो, प्राइस है तो सिर्फ प्राइस अपडेट कर दो, ठीक है। तो दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो ऊपर हमने सारे पैरामीटर वाला देख लिया, यहाँ पर एक दूसरे तरह की वैलिडेशन हम कर लेते हैं जिसमें कोई एक भी होना ज़रूरी है, कोई एक भी होना ज़रूरी है। अच्छा तो इसमें नॉट जर हट जाएगा तो बस वो सेट हो जाएगा मेरा, अगर आईडी हुई तो बस यहीं पे ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है एटलीस्ट वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। अरे हाँ आईडी तो चाहिए ही चाहिए मुझे, सही कहा तुमने, आईडी के बगैर मैं अपडेट कैसे करूँगा वरना उसको। अच्छा हाँ आईडी तो मैंने रिक्वेस्ट डॉट पैराम से ली हुई है, तो ये आईडी मैं क्यों ले रहा हूँ फिर, ये आईडी तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। पर आईडी चेंज नहीं कर सकते आप, आईडी चेंज करनी है तो प्रोडक्ट को आप डिलीट करके नई बनाओगे तो नई आईडी मिल जाएगी उसकी। अच्छा बाई द वे यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की आईडी यूज़र से ली हुई है क्रिएट करते हुए, आइडियली होना ये चाहिए था कि मैं खुद बना लेता यहाँ पे आईडी, ठीक है। आइडियली होना ये चाहिए था कि मैं यहाँ पे आईडी खुद बना लेता। अच्छा हाँ यूज़र से क्योंकि हम ले रहे हैं ये हमने गड़बड़ की है यहाँ पे, आइडियली हमारे पास होना ये चाहिए था कि हम खुद बना लेते ये आईडी, ठीक है। पोस्ट 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 और तो कहीं हमने ये गड़बड़ नहीं की, अभी इसका काम हम करते हैं सेट, खुद से आईडी जनरेट करने वाला काम यहाँ पे हम कर लेते हैं। ज़रा पहले उसको कंप्लीट कर लें नीचे वाले को, फिर वापस आके ना इसको ज़रा खुद से आईडी जनरेट करने वाला काम कर लेंगे हम, ठीक है। मैंने कहा भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग है, एटलीस्ट वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन टू कंप्लीट अपडेट, सही है। अपडेट को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट ये चाहिए, तो ये मैंने ये बना के भेज दिया इसको पूरा कि भाई आप इस तरह कर लो, और ठीक है आईडी तो मुझे यहाँ से मिल रही है, आईडी के बगैर ये रिक्वेस्ट चलेगी नहीं। अब अगला काम मुझे क्या करना है, अगेन फॉर लूप चलाऊं या मैप चला लूं, कौन सा वाला लूप बेस्ट रहेगा यहाँ पर? अगेन मेरे पास यहाँ पे फॉर का लूप ही बेस्ट रहेगा। फॉर का लूप बेस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी उसको मैं वहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा, और ब्रेक लगा के फिर उसको मैं अपडेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लॉजिक मैं कहाँ से उठा लेता हूँ, ये गेट वाले से उठा लेता हूँ, क्योंकि गेट वाले में यही काम मैंने सेम पूरा पूरा किया हुआ है। यहाँ पे मैं आया, मैंने ये फॉर लूप लगाया, मैंने कहा इज़ फाउंड फॉल्स है पहले, प्रोडक्ट की लेंथ तक ये चला, अगर वो प्रोडक्ट मिल जाती है तो इज़ फाउंड के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की इंडेक्स आ जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है। अच्छा अगर तो इज़ फॉल्ड स्टिल फाउंड फॉल्स है अगर, तो मैं क्या कर देता हूँ 404 कर देता हूँ, और अगर इस जगह पे आके फिर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को यहाँ पे अपडेट करूँगा, और अपडेट करने के बाद जो है वो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट इज़ अपडेटेड, सही है, विथ आईडी भी चलो मैंने बता दिया, प्रोडक्ट इज़ अपडेटेड विथ आईडी।
अच्छा वैसे अपडेट करते हुए जो है ना डेटाबेसेस में भी ये होता है कि हम एक फ्लैग भेजते हैं अपडेट करते हुए कि अपडेट के रिस्पांस में मुझे क्या चाहिए, या तो मुझे अपडेट होने से पहले वाला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या तो मुझे अपडेट होने के बाद वाला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन चलो मेरे केस में अभी मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट होने के बाद वाला डॉक्यूमेंट बाई डिफ़ॉल्ट में भेज देता हूँ कि जी नया अपडेट होने के बाद ऐसा हो गया अभी। ठीक है, लेकिन एक फ्लैग हम आमतौर पर भेज रहे होते हैं कि जी मुझे कौन सा चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट डॉट इज फाउंड जो है इसके अंदर मैंने क्या करना है, डॉट नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अच्छा एक एक गड़बड़ है यहाँ पे, एक गड़बड़ यहाँ पे ये है कि ये आईडी जो है ना, हाँ चलो रिक्वेस्ट डॉट पैराम सही है, गड़बड़ नहीं है, सही है। अच्छा ये मैंने कर दिया नेम, अब और क्या करूँ, प्राइस को जो है वो प्राइस कर दिया और डिस्क्रिप्शन। हाँ भाई सही है, गुड, आर यू श्योर? हाँ भाई सब लोग ज़रा बताओ कोड सही लिखा भाई है, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर? ये तो इसमें से तीन में से कम दो अनडिफाइन होने के चांसेस हैं, है ना, हो सकता है तीनों भी भेज देगा ये बंदा, लेकिन कम से कम दो के क्या हैं, अनडिफाइन होने के चांसेस हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सब में एंड एंड लगा दूँ, मैं इस पूरी लाइन को कंडीशनल मैंने बनाना है एक्चुअली, इस पूरी लाइन को कंडीशनल बनाऊंगा मैं, है ना। तो कैसे बनाऊंगा कंडीशनल, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक इफ चुन्ना मुन्ना सा, और इसमें मैं बोलूंगा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम और हाँ प्राइस और सही है। अच्छा इफ की बॉडी में ना अगर एक लाइन का कोड हो ना तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती ना, ठीक है, तो इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे। अगर मैं इवन एक लाइन ब्रेक भी लगा दूँ ना तो ये काम सही करेगा, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो लाइन ब्रेक लगाए बगैर जो है मेरा काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। तो मैंने इन तीनों लाइनों को क्या कर दिया, कंडीशनल बना दिया कि भाई अगर नेम मौजूद होगा तभी ये वाली चीज़ चले, अदरवाइज़ ये चीज़ ना चले। और उसके बाद मैंने लास्ट में क्या कर दिया, इसको बोला भाई प्रोडक्ट इज़ अपडेटेड, और अपडेटेड प्रोडक्ट को डेटा में डाल के पास भी करवा दिया। ठीक है, अब मुझे इस वाले रिस्पांस की ज़रूरत तो नहीं है, ये इफ़ कौन सा इफ़ था, अच्छा एल सही है, सही है, इस फाउंड का एल सही है, सही है। अब डिलीट प्रोडक्ट आईडी मुझे मिलेगी, आईडी के बगैर ये कॉल होगा नहीं, और मैंने जस्ट जाके क्या करना है उसको फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये आ गया मेरे पास, ये पूरे लॉजिक इसी तरह यहाँ पे भी लगेगी। मैंने कहा भाई फॉर लूप चलाओ, इस फाउंड को फाइंड आउट करो, अगर तो नहीं मिले तो आप बोल दो भाई प्रोडक्ट नॉट फाउंड, एल्स अगर मिल जाए तो आप क्या करो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो मुझे एरे का एक इंडेक्स रिमूव करना है। पॉप भी नहीं होगा और स्लाइस भी नहीं होगा, स्प्लाइस होगा, ठीक है, स्प्लाइस से भी ये काम किया जा सकता है, स्प्लाइस से भी ये काम किया जा सकता है, और भी इसके तरीके मौजूद हैं। अच्छा स्प्लाइस किस किस को पता है यहाँ पे कैसे चलता है, अच्छा देखो स्प्लाइस जो है वो मैं भी भूल जाता हूँ क्योंकि स्प्लाइस क्या है थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, तो आप लिखोगे स्प्लाइस और साथ में लिखोगे आप MDN, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्प्लाइस। अच्छा यहाँ पे ये एग्जांपल वगैरह दी हुई है इसने, लेकिन आपने क्या देखना है, ये देखना है सिंटैक्स, इसको क्या बताना होता है, अगर एक पैरामीटर दोगे तो स्टार्ट कंसिडर करता है ये और आखिर तक उड़ा देता है पूरा। अच्छा दूसरा वाला अगर आप दो पैरामीटर दोगे तो एक को समझता है स्टार्ट और दूसरे को समझता है कि कितने डिलीट मारना है इस जगह पे खड़े होगे, ठीक है, तीन अगर देते हैं आप तो एक स्टार्ट दूसरा कितने डिलीट मारने हैं और उसकी जगह रखना क्या किया है, अगर हमें कुछ रखना तो नहीं है तो इसका मतलब है हमारा काम इस वाले से हो जाएगा, है यही है ना, स्टार्ट जो है वो इंडेक्स है असल में, ठीक है। अच्छा स्टार्ट के बारे में अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कर रहा है, ये
मतलब ये बड़ा तंग करता है लोगों को कि स्टार्ट में क्या वन लिखें या जीरो लिखें, वो जहाँ पे स्टार्ट लगाते हैं उस पे तो होता ही नहीं है, वो तो उसके बाद वाले से शुरू होता है, इस तरह की सवाल आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा भाई स्टार्ट क्या चीज़ होगा, ज़ीरो बेस इंडेक्स होगा। ज़ीरो बेस इंडेक्स समझ में आता है ना, कि ज़ीरो से शुरू होगा वो, ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है। यानी ज़ीरो बेस के अंदर जो टू होगा वो असल में थ्री होता है, तीसरा माल जो होता है उसको टू कहते हैं, एरे के जो इंडेक्सेस होते हैं हमारे, ठीक है। एट विच टू स्टार्ट चेंजिंग द एरे, कह रहे कि उस इंडेक्स से एरे को जो है ना चेंज करना स्टार्ट करेगा जी। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट बैक फ्रॉम द एंड, अगर नेगेटिव देंगे तो लास्ट से गिनना शुरू करेगा, पॉजिटिव देंगे तो शुरू से गिनना शुरू करेगा। सर ये एग्जिस्टिंग जो जीरो इंडेक्स है जिस वजह से हमने स्टार्ट करवाया जीरो से, हाँ तो ये जीरो को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? हाँ ये कह रहा है उसी उसी इंडेक्स से चेंज कर देगा। अच्छा, अगर वो एरे की लेंथ से छोटा है तो जीरो कर देगा उसको, पता नहीं ये इसने क्या बात की, स्टार्ट छोटा है और एरे की लेंथ डॉट बड़ी, तो ये तो हमेशा ही बड़ा होगा ना, जीरो इज यूज्ड क्यों? अच्छा, अब कह रहा है कि अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट को भी हटा दिया और स्प्लाइस को आपने बगैर किसी आर्गुमेंट को कॉल किया तो वो नथिंग इज डिलीटेड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पासिंग अनडिफाइंड। अगर आप अनडिफाइंड पास करोगे तो वो जीरो उसको कंसिडर कर लेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। वेल तो यार इस तरह करके ना कोई भी चीज़ समझ ना आए, जावास्क्रिप्ट का कोई भी मेथड हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, MDN पे आके लिखो। यहाँ पे देखो पैरामीटर्स हैं, एक एक पैरामीटर को बताया हुआ है इसने, देखो डिलीट काउंट इसने पूरा बताया हुआ है कि भाई इंटीजर होना चाहिए इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट डिलीट एंड और रिमूव फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, इफ डिलीट काउंट इज ओमिटेड। अच्छा, और यहाँ पे छोटा सा इन्होंने ये एग्जांपल भी बना के दिया हुआ है, इसको आप रन भी कर सकते हैं। देखो ये एक मंथ्स बना हुआ है एरे, स्प्लाइस में इसने लिखा है वन, तो वन का मतलब क्या है कि ये वाला इंडेक्स मार्च से स्टार्ट, ठीक है, मार्च से स्टार्ट होगा, और डिलीट करना है इसने ज़ीरो, तो मार्च के बाद मार्च ही मॉडिफाई होगा, तो मार्च की जगह पे फैब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मॉडिफाई करता है ना ये, मतलब इसके बाद नहीं लिखेगा, इसके बाद होता तो फिर तो ये मॉडिफाई हुआ ही नहीं, ठीक है, तो मॉडिफाई होगा ये वाला। तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या हो गया, जनवरी यहाँ था, उसके बाद मार्च को इसने आगे धक्का मारा, इस जगह पे फरवरी रख दिया। अच्छा, इसी तरह डिलीट वाला भी देख लो, स्टार्ट में फोर लिखा है इसने, ठीक है, और इस फोर का मतलब है कि इस वक्त इसके अंदर क्या हो चुका है, ज़ीरो वन टू थ्री और फोर हो चुका है, ठीक है, और फोर पे इसने लिखा है स्टार्ट करो और वन लिखा है फोर, क्योंकि फोर क्योंकि कह रहा है कि फोर से स्टार्ट करो तो फोर मॉडिफाई होगा, ठीक है, फोर मॉडिफाई होगा, वन डिलीट मारो, यानी कि जो जिस पे खड़ा हुआ वो पूरा डिलीट मार दो, उसके बाद वहाँ पे मई रखवा दो, ठीक है ना। तो अप्रैल के बाद जो जून था वो अप्रैल के बाद मई हो गया। तो हमारे केस में हम क्या करेंगे, स्टार्ट का जो भी इंडेक्स है हमारा वो हमें पता चल चुका है, मैंने कह दिया कि यार प्रोडक्ट्स है ना और क्या था, हाँ इस फाउंड और कॉमा वन, बस जो भी इंडेक्स मिला है उस पे खड़ा हो और एक को डिलीट कर दो, और स्प्लाइस करने के बाद क्या करें उस प्रोडक्ट को अच्छा ये तो हमने डिलीट किया है ना, प्रोडक्ट को डिलीट किया हमने, ये ठीक है, प्रोडक्ट इज़ डिलीटेड कह देता हूँ मैं। अच्छा, डिलीट वाले प्रोडक्ट में भी सम टाइम क्या करते हैं हम कि जो प्रोडक्ट इस वक्त डिलीट हुआ है ना वो पूरा का पूरा हमें रिटर्न कराना होता है, लेकिन फ़िलहाल हम वो नहीं कर रहे। अच्छा, और वो हम करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे कि उस प्रोडक्ट को डिलीट करने से पहले सेपरेट करेंगे, उसके बाद डिलीट मारेंगे और वो जो सेपरेट हुआ वो वेरिएबल है उसको रख के भेज देंगे, हाँ उस कॉपी बना लेंगे, वो सब आप लोगों को पता है कि कैसे होगा ये, तो इसलिए उसको ज़्यादा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है शायद, ठीक है जी। इस वाले अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मेरा पूरा करड़ ऑपरेशन कम्प्लीट हो गया। यहाँ पे जो क्रिएट करने वाले में ना ज़रा आईडी खुद से जनरेट कर लेते हैं आगे, और फिर हमारी इस क्लास को हम नहीं उसके बाद टेस्टिंग भी तो करनी है हमें पोस्टमैन से कि भाई सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उस तरह वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई डी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए होगी अब, और मेरे पास जो है ना एक हाँ यहाँ से भी मैं आई डी हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो है ना मुझे क्या करना है, आई डी एक जनरेट करना है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, मैथ डॉट रैंडम से भी कर सकते हैं हम, उसके अलावा हमारे पास है क्या नैनो आई डी, सही है, नैनो आई डी पे मैं आता हूँ,
डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आ रहा इसका? गिटहब में चलते हैं। अच्छा इंस्टॉल तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, और जब इसको बाय डिफ़ॉल्ट इससे आईडी जनरेट करेंगे ना हम, तो इस तरह करके हो गई। हम कौन से वाले फोल्डर में हैं? करड ऑपरेशन वाले फोल्डर में ना। नैनो डैश आईडी था ना? मिला गया नैनो आईडी। हाँ नैनो आईडी मिला गया, नैनो आईडी मिला गया, सही है। नैनो आईडी इधर हमने इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये मॉडल कहाँ से आ गया भाई? अच्छा 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 ये किसी में रखवाया है इन्होंने ना, वेरिएबल है। मैंने कहा लेट ए कर दिया मैंने, सही है। तो नैनो आईडी जब मैं लिखूंगा ना तो मुझे इस तरह का स्ट्रिंग मिलेगा। देखो इस स्ट्रिंग के अंदर नुमेरिक भी है, अल्फा भी है इसमें, नुमेरिक भी है और सिंबल्स भी हैं इसमें, और एक मतलब अच्छा खासा रैंडम मिल रहा है। लेकिन मुझे ये वाला काम नहीं करना। अब मैं नैनो आईडी के अंदर ना यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शंस पास करूँगा, और उस ऑप्शन में बताऊँगा कि भाई जो मुझे जो आईडी जनरेट करानी है ना वो किस किस्म की करानी है, ठीक है। आओ जो आगे चलते हैं, API। देखो ये कह रहा है कि भाई नैनो आईडी ऐसे लिखोगे तो इतने डिजिट का होगा, उसमें 10 लिख दोगे तो थोड़े 10 डिजिट का हो जाएगा फिर ये। लेकिन मुझे चाहिए क्या, सिर्फ नंबर वाला चाहिए। ये रहा कस्टम अल्फ़ाबेट्स, कस्टम अल्फ़ाबेट में मैं जो जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ लिखूँगा उनसे ही जनरेट करेगा, और 10 डिजिट का लिखूँगा तो 10 डिजिट का करके देगा फिर। तो मैंने ये कस्टम अल्फ़ाबेट को यहाँ से उठा लिया और ये वाली चीज़ उठा ली, और फिर ऐसे करके जनरेट हो गई, ठीक है। ये वाला काम कर लिया मैंने, और कस्टम अल्फ़ाबेट में मैंने 1 से लेके 0 तक लिख दिया, और मैंने लिख दिया 10 नहीं चलो आप 20 का कर दो, थोड़ा लंबा कर दो, सही है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी सिक्योरिटी, वो सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है इस रिपोजिटरी में। शुरू में वही बात मेंशन की हुई है इन्होंने, ये वाली, ठीक है, कि जी वो रैंडमाइजेशन ये किस तरह करता है, किस हद तक ये रैंडम है। लेकिन ये रैंडम है वैसे, अगर 10 डिजिट का मैंने रखा है तो अच्छे खासे इसमें रैंडमाइजेशन है, ठीक है। कौन से? ये तो मैंने हार्ड कोडेड चलो रख दी है ना, चलो इसमें भी ये वाला रखवा देते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें भी ये रखवा दिया मैंने, हाँ ये मैंने मॉडल इक्वल्स टू गलत लगाया, बस ये हो गया। ऊपर ये मॉडल बना दिया ना इसमें कस्टम अल्फाबेट वाला, ठीक है, नैनो आईडी, सही ऐसे ही किया था ना इसने यहाँ पर कस्टम अल्फाबेट्स, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। इसने बोला बस नैनो आईडी कॉल कर दो, नैनो आईडी इस तरह बनाया इसने। अच्छा तो जहाँ पे भी मुझे अब आईडी चाहिए होगी मैं इस नैनो आईडी को ऐसे कॉल करूँगा और ये चल पड़ेगा। कहाँ गया वो पोस्ट वाला हमारा, ये रहा, ठीक है, इसको मैंने जनरेट कर दिया। अच्छा अब ये मैं यहाँ पे तो आईडी खुद से मुझे जनरेट करनी पड़ रही है ना, लेकिन जब मैं अपने डेटा को MongoDB में सेव करता हूँ तो MongoDB भी मुझे एक यूनिक आईडी बना के दे रही होती है। तो मेरे लिए फिर ये ऑप्शनल हो जाता है कि अच्छा जी मैं खुद से जनरेट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, या मैं MongoDB की आईडी को एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ। स्टिल कुछ जगहों पे मेरे पास रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं जी आईडी इस तरह की ही होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं टेलीनॉर का वो बनाना चाह रहा हूँ स्क्रैच कार्ड जो होता है, तो उसमें मैं MongoDB वाली आईडी इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी होगी। वल्नरेबिलिटी इस वजह से होगी कि वो कैसे जनरेट करता है अपनी आईडी को, वो तो मतलब पब्लिक है, ठीक है, तो उसमें तुक्का लगाना ज़रा आसान है। तो मैं इस तरह से करके जनरेट करूँगा नैनो आईडी से, क्योंकि ये ज़रा सिक्योर है। या फिर मैं कोई कस्टम लॉजिक अपनी लिखूँगा, जो कि क्योंकि नैनो आईडी भी कैसे करता है वो है तो पब्लिक, सिक्योरिटी है इसमें लेकिन वो भी पब्लिक है। तो मैं शायद फिर उसके लिए कोई कस्टम लॉजिक लिखूँगा कि अच्छा जी इस तरह करके जनरेट कर लो आप,
ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का कोई उसमें एल्गोरिथम इस्तेमाल करूँगा या कोई क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल करके ना उसके अंदर मैं खुद से आईडी जनरेट करूँगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आईडी को। तो ये आईडी जनरेट करना इज़ अनदर थिंग। समटाइम आप ऐसी आईडी जनरेट करना चाह रहे थे जो इंक्रीमेंटल हो, ठीक है, मतलब पहला यूज़र है उसको 1 मिले, फिर दूसरा है उसको 2 मिले, फिर तीसरा है उसको 3 मिले। तो इसके लिए फिर MongoDB में अलग अप्रोच मौजूद है, उसके लिए आप नैनो आईडी में भी अप्रोच मौजूद है। ठीक है, ये हो गया जी हमारा। अब हमारी ये API जो है ना वो कंप्लीट हो गई है और इसको टेस्ट करते हैं अब ज़रा। गेट की API, गेट प्रोडक्ट्स की API, ये मेरे पास टोटल जो है मैंने आज 170 लाइन का कोड लिखा है। अब हम जो अगला कोड लिखेंगे वो ऑन द टॉप ऑफ दिस कोड होगा एक्चुअली। ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। अब हम इसको रन करने के लिए सबसे पहले मुझे रन करना होगा, ओ क्या कर दिया मैंने ये, अच्छा जी npm run dev, सही है। npm run dev के पीछे nordmon चल रहा है, सब लोगों को nordmon का पता है, कोई ऐसा तो नहीं है nordmon नहीं पता जिसको। अच्छा, ज़रा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं और हम आ जाते हैं इधर पोस्टमैन पर। अच्छा, पोस्टमैन पे आके अब देखो मैंने क्या करना है, कलेक्शन पे क्लिक किया और मैं क्रिएट न्यू कलेक्शन का बटन दबाऊंगा, राइट, क्रिएट न्यू कलेक्शन का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे आके मैं क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट्स REST API, या कोई भी इस तरह का आप नाम लिख सकते हैं। किसी कंपनी के लिए अगर काम हो रहा है तो उस कंपनी का नाम लिख देंगे हम। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल के लिए ना चलो SMIT भी इसमें लगा देता हूँ ताकि मुझे बाद में पता हो मैंने SMIT के लिए बनाया। अच्छा, और ये कहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा मेरे पास, ये मुझे यहाँ शो हो गया, ठीक है ना, काफ़ी नीचे जाके शो हुआ है। स्टार का बटन दबा देता हूँ ताकि ये टॉप पे आ जाए। ठीक है, तो ये टॉप पे आ गया मेरे पास। अच्छा, इस पर मैं देखो क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे इस वक्त अंदर कोई रिक्वेस्ट मौजूद नहीं है, दूसरों वाले में देखो रिक्वेस्ट मौजूद है अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आके फोल्डर भी बना सकता हूँ, डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं कहूँगा ऐड अ रिक्वेस्ट, सही है। ऐड अ रिक्वेस्ट में सबसे पहले मुझे कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे चाहिए गेट प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स होगा पहले तो ना, सही है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये मैंने नाम रखा है उस रिक्वेस्ट का इधर, देखो गेट ऑल प्रोडक्ट्स आ गया। और यहाँ पे अब मैं URL लिख दूंगा कि जी लोकल होस्ट, सही है, स्लैश ठीक है स्लैश प्रोडक्ट्स, हिट किया मैंने इसको और मेरे पास क्या आ गया, ये एक अदद रिस्पॉन्स आ गया, ऑल प्रोडक्ट और इस तरह करके आ गया ये। ठीक है, हाँ, अच्छा, अब इस पॉइंट पे ज़रा एक चीज़ और समझ लो कि ये जो बेस URL है ना मेरे पास, दिस बेस URL इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो इस बेस URL को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, ऐसे कट करूंगा मैं इसको और कट करके मैं यहाँ पे आके इन्वायरमेंट के नाम से एक चीज़ होती है इसमें आ जाऊँगा। इन्वायरमेंट में गया और देखो मेरे पास बहुत सारे ना इन्वायरमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं पहले से ना, तो इसमें मैं एक नया इन्वायरमेंट कैसे ऐड करता हूँ, पता नहीं कैसे ऐड होता है, हैं ये वाला इस साइड बार में ये वाला, अबे यहीं देना चाहिए था, पता नहीं चेंज कर दिया उन्होंने कुछ। चलो छोड़ो, ये डेव मेरे पास बना हुआ है तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये क्विक लुक लगा दिया मैंने। अरे नहीं यार, इसको छेड़ नहीं सकता मैं नया कैसे बनेगा, अब ये गुम कर दिया उन्होंने। किसी को दिख रहा है कि नया बनाने का कौन ऑप्शन आ रहा है, एफ पे, अबे क्या कर दिया इन्होंने भाई। चलो एक कोई दूसरा ऐसा देखते हैं हम जिसमें ना, चलो ये रहा ना SMIT चैट ENV, ये मैंने SMIT के लिए ही बनाया होगा। वेल, तो इस पे आके मैंने सेलेक्ट किया और इसको ना देखो ये वाला बटन दबाया, एनवायरनमेंट क्विक लुक। एनवायरनमेंट क्विक लुक में आके ना देखो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है बेस URL, उसके अगेंस्ट एक इनिशियल वैल्यू और एक करंट वैल्यू है। अच्छा, दो वैल्यू इसलिए देते हैं कि बाद में आपको चेंज करना पड़े। मैं इसको एडिट का बटन दबाता हूँ
और एडिट का बटन दबा के ना, पहले तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बना हुआ था पहले से, एक ही वेरिएबल था इसमें। यहाँ पे आगे मैं लिखूँगा बेस URL, ठीक है, और टाइप इसकी मैं कुछ रख सकता हूँ, सीक्रेट या डिफ़ॉल्ट जो भी रख सकता हूँ, मतलब ये पोस्टमैन स्पेसिफिक चीज़ है, सीक्रेट रखोगे तो शायद ये थोड़ा सा फॉरन ना दिखाए उसको। लोकल होस्ट 3000 मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, करंट वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली वही हो गई है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, सम टाइम अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा मैं करंट वैल्यू चेंज करूँगा, इनिशियल को मैं छेड़ूंगा नहीं, इनिशियल जो है वो परमानेंट है। होता है ना सम टाइम मैंने थोड़ी देर के लिए इसको 301 पे चला दिया, 302 पे चला दिया थोड़ी देर के लिए, तो मैं इधर आगे चेंज करूँगा इस वाले को, परमानेंट वाले को छेड़ूंगा मैं नहीं, सही है। तो बहरहाल फिलहाल तो मैं दोनों को सेम ही रखता हूँ, और दोनों को सेम रख के मैंने सेव का बटन क्या दबाना था इसमें, हाँ क्या कह रहे हो, एक मिनट कुछ कह तो रहा है यार ये, हाँ बेस UFRL हो गया, ठीक है सेव। अच्छा तो अब ये गेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा वेरिएबल, मैं बोलूँगा बेस URL ऐसे वेरिएबल, वही एक्स्ट्रा लग गया, सही है। दो ब्रैकेट ओपन दो ब्रैकेट क्लोज, उसके दरमियान में जो बात लिखी है वो वेरिएबल, देखो मैं यहाँ हाथ रखूँगा ना मुझे इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू दिखा भी देता है कि भाई अभी इसकी इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू क्या है मौजूद जो है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा से हिट करता हूँ, मुझे सेम रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उसके बाद मैंने अब अगली रिक्वेस्ट बनानी है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और इसको इसी को ही डुप्लीकेट कर दूँगा मैं, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करने के बाद इसका नाम क्या रख दूँगा मैं, गेट सिंगल प्रोडक्ट, गेट सिंगल प्रोडक्ट, सही है। और स्लैश के बाद ऐसे करके राइट क्लिक, अच्छा वो भी तो नहीं लगाया, सही है। और आईडी मुझे कोई ना कोई यहाँ पे चाहिए होगी। अब ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट में मुझे मिला है ना, ये एक अदद प्रोडक्ट, इससे मैं ये आईडी कॉपी करता हूँ और ये आईडी मैं यहाँ पे लगा कर देखता हूँ, सेंड किया तो मुझे ये वाला मिल गया। अगर मैं इस आईडी में से एक डिजिट हटा दूं लास्ट में तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड भी मिलना चाहिए। तो ये मेरी API देखो टेस्ट होती जा रही है ना, चलती जा रही है, पता चलता जा रहा है मुझे, ठीक है सेव। अच्छा देखो इसमें जब तक मैं सेव नहीं करूँगा ना, डॉट बना हुआ आ रहा होता है एक यहाँ पे, ठीक है हाँ, तो इसमें सेव करूँगा तो मैं उधर जाएगा, अदरवाइज वैसे मैंने क्लोज कर दिया तो ज़ाया हो जाएगा वो डेटा। अच्छा फिर मैं ये गेट सिंगल प्रोडक्ट को एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो उसको हाँ पोस्ट पोस्ट अ प्रोडक्ट ये लग दिया, और उसके बाद मैं इसको पोस्ट बना दूंगा टाइप को, और स्लैश प्रोडक्ट करके ना मैं सिर्फ स्लैश प्रोडक्ट होगा इसमें। बॉडी मुझे भेजनी है इसमें, जेसन वाली बॉडी भेजनी है मुझे, याद रखना जेसन वाली बॉडी के लिए। देखो मैं बॉडी में गया और बॉडी में जाके मैंने रॉ सेलेक्ट किया, और रॉ सेलेक्ट करने, अच्छा रॉ सेलेक्ट करना इनफ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला जो ये सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं जेसन जो सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वैलिडेशन के लिए, ताकि मुझे जेसन में ना देखो ये एरर देगा जब मैं कोई लिखूँगा ना, मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए प्रोडक्ट का ABC, तो ये देखो मुझे एरर दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है मैंने यहाँ से जेसन सेलेक्ट किया, मैं टेक्स्ट कर दूंगा ना ये एरर देना बंद कर देगा, तो मैंने यहाँ से जो जेसन किया ये इसलिए किया है, This is not required. This is not the part of that request. ठीक है तो मुझे, अच्छा JavaScript के अंदर तो इसको हम स्ट्रिंग में ना भी लिखें तो चल जाता है ना, लेकिन जनरल लाइफ के अंदर जो JSON है उसमें की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग होती है, ये बात याद रखना, सही है। JavaScript के अंदर तो की आप नहीं भी लिखें स्ट्रिंग में तो चल जाता है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरफ या किसी भी डेटाबेस में, तो भाई वो इस तरह से नहीं होता, उसमें दोनों की वैल्यू दोनों स्ट्रिंग होती है। क्या था जी और प्राइस, दो सौ रख दी मैंने प्राइस मिसाल के तौर पे। अच्छा इसको मैंने स्ट्रिंग में क्यों रखा है, ये स्ट्रिंग नहीं होगा, सही है, ये नंबर में भेज सकते हैं। और सम डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या कह रहे हो, नहीं अभी तो क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी तो पोस्ट कर रहे हैं, अभी तो पोस्ट प्रोडक्ट हो रहा है ना, प्रोडक्ट क्रिएट हो रही है अभी,
अच्छा सही है जी, हिट कर दिया जाए रिक्वेस्ट को। अच्छा रिक्वेस्ट को हिट करने से पहले ज़रा एक चीज़ बता दूँ, ये हेडर्स देख रहे हो, ये 9 हिडन जो आ रहे हैं, इसमें कॉन्टेंट टाइप या एप्लीकेशन जेसन होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि ये रिक्वेस्ट जेसन की जा रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बॉडी में आगे कुछ और सेलेक्ट करूँगा ना, फॉर्म डेटा सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखो ये चेंज हो जाएगा। कहाँ गया वो? हाँ, मतलब फॉर्म डेटा बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म डेटा है। कोई तीसरा करके देख लेते हैं, जो URL इनकोडेड करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें असल में पोस्ट जो फॉर्म डेटा है और URL इनकोडेड ना, उसमें कुछ चीज़ें जब रिक्वेस्ट जा रही होती है ना, जब कैलकुलेट होती है, तो वो वाला भी ज़रा चक्कर है। वेल, जैसे ही मैं इसको रॉ करूँगा ना और यहाँ पे से जेसन करूँगा, तो यहाँ पे ये आ जाता है। हाँ, ये आ गया दोबारा से। ठीक है, तो ये आपने मेंशन मतलब ये देखना ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशन जेसन ही हो। जब हम एक्सियोस वगैरह से रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको जेसन कंसिडर कर रहा होता है। फॉर्म डेटा ऑन अदर एंड उसमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है जी, अच्छा सेंड का बटन दबाते हैं और जी हमारे पास ये प्रोडक्ट क्रिएटेड का रिस्पॉन्स आ गया। अब मैं जब गेट ऑल प्रोडक्ट कॉल करूँगा तो क्या होगा, मुझे दो प्रोडक्ट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिल गई मुझे। मैं वापस पोस्ट इस पर आता हूँ और इसमें से नेम को गायब कर देता हूँ और सेंड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, पूरा जेसन मुझे बना कर दे दिया कि भाई इस तरह करके भेजो आप। ठीक है, सही हो गया, ज़बरदस्त काम हो गया ये। और अब इसी के बाद लास्ट मेरा क्या है, जो पुट वाला जो काम है मेरे पास, सही है, अपडेट अ प्रोडक्ट। ठीक है, अपडेट अ प्रोडक्ट के अंदर मुझे URL में क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए। सही है, मैं गेट ऑल प्रोडक्ट में से जाके किसी एक प्रोडक्ट की आईडी को पकड़ता हूँ, ये लास्ट वाले को पकड़ता हूँ जिसका नाम मैंने क्या रखा है, ABC रखा हुआ है फिलहाल, और इसका नाम मैं कुछ और करने जा रहा हूँ अब। ठीक है, और मैं बॉडी में आता हूँ और मैं दो चीज़ें हटा देता हूँ, सिर्फ नेम इसको देता हूँ। ठीक है, न्यू नेम करके मैं जैसे ही इसको हिट करता हूँ, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, इसको पुट करना है मैंने। ठीक है, 404 सही आया बिल्कुल। ठीक है जी, वन और मोर पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, ये क्या हो गया, गड़बड़ है हमारे कोड में, टेस्टिंग है ना। ओ, यहाँ पे हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर गलत लगाया ना, देखो क्या होगा, नेम मैंने प्रोवाइड किया, इफ ट्रू हो गया, इफ ट्रू हुआ तो यहाँ पे अटक गया आगे, गलत किया ना हमने। देखो नेम मैंने दिया है ना अभी राइट नाउ, नेम देने की वजह से क्या हुआ, ये और है, तो और में कोई एक ट्रू होता है तो इफ ट्रू हो जाता है, तो वो इधर नीचे आ गया, तो मुझे यहाँ पे इस एंड का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। एंड के ऑपरेटर में क्या होता है, जब तीनों ट्रू हो जाते हैं तो फिर होता है। ठीक है, और इसमें मुझे नॉट भी लगाना पड़ेगा फिर, जब एंड लगाऊंगा तो। ठीक है, कि अगर नेम नहीं हो एंड प्राइस भी नहीं हो एंड डिस्क्रिप्शन भी नहीं हो, तो तब जाके ये वाली हिट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। सही है, तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर में मिस्टेक की थी जिसकी वजह से वो गड़बड़ कर रहा था, प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ गया, अब ये क्या चक्कर है। अच्छा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड क्यों, हाँ क्यों आया, कौन बताएगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड क्यों आया, आईडी तो मैंने सही डाली थी, ये गेट ऑल प्रोडक्ट में से करके डाली थी, हैं सर्वर रीलोड हो गया मेरा। सर्वर रीलोड होने से क्या होता है, ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट में ये दो प्रोडक्ट आती थी ना, ये वो अब एक हो जाएगा और एक में भी आईडी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो आईडी मैंने रैंडमली डाली है ना, तो स्टेटलेस, समझ रहे हो ना, स्टेटलेस इसलिए बनाना होता है, डेटाबेस हमें चाहिए होता है, हम ये इस तरह नहीं करते, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस जो अभी हम वेरिएबल बना के कर रहे हैं। वेल, तो मैं क्या करूँगा, इसकी आईडी उठा लेता हूँ मैं, जो भी अवेलेबल है। ठीक है जी, चेंज किया, प्रोडक्ट इज़ अपडेटेड और ये प्रोडक्ट अपडेटेड यहाँ पे मुझे ला के भी इसने दे दिया मुझे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब डिलीट का बना लेते हैं हम। ठीक है जी, ओके डिलीट, और यही मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है उसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। अच्छा, बॉडी में कुछ मुझे डाल के भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ जा रहा है ना बॉडी में तो वो एरर भी नहीं देगा, मैंने उस पर एरर नहीं लगाया इस तरह का कोई। ठीक है, इस तरह का भी वैलिडेशन लगा सकते हैं हम कि जी बॉडी खाली होनी लाजमी है, इस तरह की भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, या बॉडी के अंदर अगर चार चीज़ें मांगी मैंने, कोई पांचवी चीज़ भेज रहा है ना, तो मैं एरर भी उस पर शो करा सकता हूँ,
लेकिन डिपेंड करता है कि मैं किस किस्म की एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मेरे केस में मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, क्यों? ज़रा गेट ऑल प्रोडक्ट करते हैं। है तो सही प्रोडक्ट यार इस आईडी से है, ये मैंने उठा लिया ना इस तरह। प्रोडक्ट इज डिलीटेड। अच्छा वो आईडी ज़रा मैं दोबारा शायद चेंज हो गई थी। ठीक है, गेट ऑल प्रोडक्ट में अब एम्प्टी आना चाहिए। एक दफ़ा और इसको ज़रा करके देखते हैं, ये एक दफ़ा सही चला एक दफ़ा गलत चला, ये क्या चक्कर है? ठीक है, मैंने सर्वर को रिफ़्रेश किया, ये दोबारा से प्रोडक्ट वापस आई और इस आईडी के ज़रिए मैं इसको अब डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गया और दोबारा हिट करता हूँ तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड। पहली दफ़ा में डिलीट सक्सेसफुल, दूसरी दफ़ा में नॉट फाउंड। इसको मैंने कर दिया सेव। अब देखो ये मेरे पास चार आइटम बन गए ना। अब इन चारों को मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे ऐड अ फोल्डर करूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा कि जी प्रोडक्ट्स एपीआई। सही है, और प्रोडक्ट्स एपीआई में ना ये चारों को उठा के मैं प्रोडक्ट में डाल सकता हूँ। इन चारों को उठा के मैंने प्रोडक्ट में डाल दिया। ठीक है ना, तो दिस इज़ हाउ यू ऑर्गेनाइज योर API रिक्वेस्ट इन पोस्टमैन। ठीक है, अब देखो जो जैसे ये वाला है ना स्मार्ट हेल्थ, अब इसमें देखो कुछ यहाँ भी पड़ा है, कुछ फोल्डर के अंदर भी पड़ा है, तो आप जितने मर्जी इसमें चाहो फोल्डर बना सकते हो आप। अच्छा, वंस ये सारा कुछ हो गया, फोल्डर बन गया, अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा और व्यू डॉक्यूमेंट करके बटन दबाऊँगा ना, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट होकर आ जाएगा। सही है, ये डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट होकर आ गया मेरे पास। ठीक है, ओपन रिक्वेस्ट, ओपन कर दिया इसने रिक्वेस्ट को। वेल, ठीक है जी, दोबारा मैं जाता हूँ व्यू डॉक्यूमेंट पे और देखो यहाँ पे फोल्डर भी उसी तरह बना के शो कर रहा है ये। मैं किसी पे क्लिक करूँगा ना, मुझे डायरेक्ट उस पर लेकर जा रहा है। और इसमें और कौन सा था है? ये पब्लिश करूँगा तो पेड होगा। देखो पब्लिश का बटन दबाया मैंने, क्योंकि अभी तो मैं ही देख पा रहा हूँ ना सिर्फ। अच्छा, इसके लिए हम जुगाड़ तरीका क्या करते हैं, जुगाड़ तरीका हम ये करते हैं कि ये SMIT प्रोडक्ट है ना ये वाला, इसको यहाँ राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट का बटन दबा देते हैं। नहीं, शेयर में तो वो URL बनाता है ना, एक्सपोर्ट। अच्छा, वो ये रहा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, ये JSON एक डाउनलोड कर देता है। एक्सपोर्ट का बटन दबाया ना तो एक JSON डाउनलोड करता है। मैंने कहा भाई आप इसको कर दो सर्वर डेस्कटॉप पे कर दो सेव। ठीक है, तो देखो डेस्कटॉप पे ना ये इसने बना के दे दिया JSON मुझे। अब ये JSON मैं किसी को भी भेजता हूँ, उसको वो सब चीज़ें इंपोर्ट करता है, वो तो सेम चीज़ उधर आ जाती है। वेल, अगर मैं पब्लिश का बटन दबाता हूँ ना, ये मुझसे चार सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद पब्लिश का जैसे ही बटन प्रेस करूँगा, यार ये पब्लिश हो गया। गुड यार, नहीं नहीं पैसे नहीं ख़त्म किए होंगे उन्होंने, हो सकता है एक शायद फ्री था, शायद एक फ्री था, बाकियों में पैसे हैं। ये देखो पब्लिश होने के बाद ये इस तरह का खुलता है, पूरा कोड भी बकायदा लिखा आ रहा है यहाँ, देख रहे हो? ऊपर से मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा, डार्ट में खोल दिया इसने। पैसे इसके ख़त्म नहीं किए होंगे आई एम श्योर। एक्सियोस पे किया मैंने, तो देखो ये रिक्वेस्ट को ना एक्सियोस पे खोल के दिखा रहा है। गेट ऑल प्रोडक्ट में गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्योंकि नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, वो भी मैं लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो ना। ठीक है, base URL/product, ये इसने बता दिया, कह रहा है भाई इस तरह करके चलाओ आप इसको। एक्सियोस बॉडी लेंथ इन्फिनिटी, पता नहीं कौन से ज़माने का एक्सियोस का वर्जन इसने यहाँ पे लगाया है। ये तो हम नहीं लगाते बॉडी लेंथ वगैरह, और वो रिक्वायर वाला सिंटैक्स रखा है, वो अभी तो नया सिंटैक्स आ गया ना, इम्पोर्ट वाला आ गया, तो बस थोड़ा सा ये वैसे ही चल रहे हैं, पुराने ज़माने में जी रहे हैं अभी तक ये। और नॉट JS में रिक्वेस्ट तो डेप्रिशिएट हो गया, नेटिव में क्या चला रहे हैं ये, नेटिव में भी ज़रा देख लेते हैं ना। अच्छा, वो HTTPS चला रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं ये तो बहुत पुराना माल है जो इन्होंने रखा हुआ है, इतने पुराने पैसे, इतने पुरानी चीज़ के तो पैसे मैं वैसे भी ना लूँगा। ठीक है भाइयों, असाइनमेंट तो समझ गए होगे अब तुम लोग, असाइनमेंट तो समझ जाते हो ना खुद ही। बताओ क्या है असाइनमेंट? इसी तरह से एक CRUD ऐप बनानी है
पूरा सुन लो असाइनमेंट बड़े गौर से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर ये मत बोलना सर समझ नहीं आया, ये करड़ ऑपरेशन तो पूरा मैंने खुद करवा दिया ना तुम्हें, इसमें तो कुछ करने के लिए मैंने छोड़ा नहीं है तुम्हारे पास। तो ये करड़ ऑपरेशन इसी तरह से आपने देख देख के अपने हाथ से कोड लिख के बनाना है। नंबर टू, पोस्टमैन की कलेक्शन बनानी है साथ में। तो गिटहब में जब आप पुश करोगे ना अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो उसमें एक पोस्टमैन की फाइल भी मुझे नज़र आ रही होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट पब्लिश हो जाए तो क्या ही बात है, नीचे डॉक्यूमेंट का यूआरएल भी लगा देना, अगर तो फ्री कर दिया ना, मुझे नहीं पता कि फ्री किया है क्या किया है। ठीक है, तो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन भी आपको आ गई। नंबर तीन चीज़, आपने एक अदद जावास्क्रिप्ट की ऐप बनानी है, जैसे वेदर ऐप बनाई थी ना सेम इसी तरह की, और उसमें करड़ ऑपरेशन पूरा चल रहा हो कि मेरे पास एक ऊपर फॉर्म बना हुआ रहा, फॉर्म सबमिट करूँ, प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए, और क्रिएट होने के साथ साथ वो रिटर्न में आके मेरे पास डिस्प्ले भी हो जाए नीचे। ठीक है, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक डिलीट का बटन बनाओ, डिलीट दबाओ, वो प्रोडक्ट डिलीट हो जाए और एडिट भी हो जाए इसी तरह, और क्या चारों ऑपरेशन हो जाए फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये आपने नेक्स्ट क्लास में करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसी ऐप के अंदर MongoDB लगा देंगे, स्टेटलेस हो जाएगी फिर, थोड़ी थोड़ी वो हम चेंज करेंगे, जो वेरिएबल को हमने पुट वुट मारा हुआ है ना, तो वो उस पुट की जगह MongoDB में फिर पुट की रिक्वेस्ट लगा रहे होंगे, तो हमारा करड ऑपरेशन कम्प्लीट है। हाँ, MongoDB के स्कीमा से भी हो जाता है, लेकिन ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं। MongoDB जब पढ़ेंगे ना तो ये मुझे दोबारा याद दिलाना।